Thank <laughs> you. यस वेलकम वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत सी चीजें आज के लेक्चर में होने वाली है मालिक आ, अगर आपको याद हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपने सबसे पहले अभी भी अगर नहीं देखा होगा तो लेक्चर इंट्रोडक्शन पहले देख लेना आपको वहां पे दिया हुआ होगा दूसरी बात मैं आप लोग को बता दू कि हम दो दिन से बहुत ज्यादा ब्रेन अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं मंत्र हमें हमारा याद रखना होगा पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो और हम लोग आज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने वाले हैं मैंने जैसा कि आपको कल के लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था आज वो होमवर्क भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं एट द सेम टाइम मैंने आपको बोला था कि आज आप लोग सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ के आओगे आपने अगर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे तो आज हम बहुत बेहतर तरीके से चालू कर देंगे उम्मीद है प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने और प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे एंड यू माइट हैव गेन मच कॉन्फिडेंस येस ऑनओ Okay, so welcome to this lecture. Let us start. सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने फटाफट क्या देखा था अब जो रिवीजन होंगे वो पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होंगे जो जो स्पेसिफिक टॉपिक्स थे हम उसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले बात कर लेते हैं द फर्स्ट डेफिनेशन पर्सन पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल इंक्लूड इंडिविजुअलूड्स एल एलपी कंपनी एओपीआई एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी इज एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स एवरी पर्सन अगेंस्ट और ऑन द बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन एंड असेसमेंट हैज बीन ओपन टू चेक आउट हिज इनकम और लॉसेज और रिफंड एफ एनी पर्सन हुम टू बी ए दस एस सी आर एस एससी इन डिफॉल्ट यह सारी चीजें एस एससी के डेफिनेशन में थी देन हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर यस और नो राइट बट इसके क्या है कुछ एक्सेप्शन है कौन कौन से एक्सेप्शन थे याद करो पांडू क्या कर रहा था गणपति गणपतिदान में कौन आई थी शिप आई थी शिप में से उतरी एक सुंदर कन्या सुंदर कन्या ने बोला कि मैं तुम्हें क्या करूंगी मैं तुम्हें रॉक बनाऊंगी पांडू कहता है कि मैं दो काम करके आता हूं अपना सारा सामान बेच के आता हूं अपनी दुकान बंद करके आता हूं जैसे वो वापस आता है उससे वो उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा कभी नहीं आओगे तो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या कॉन्सेप्ट पहला ए PBY form for short duration, non-resident shipping business, closure of business, person living in India permanently, and

applicable on progressive basis that means higher the income higher will be your tax right uh, whatever the law has been created the law is created out of parliament article 265 read with 245 however president can also promulgate ordinance article 123 in addition to tax we could also levy additional tax called as surcharge as per article 271 which will only be kept by union yes or no cess could only be used for specific purpose and it will be 4% of the टैक्स पेबल फिर हम लोग आए थे किसके ऊपर मालिक हम लोग आए थे टैक्स के ऊपर टैक्स दो प्रकार के थे नॉर्मल और स्पेशल नॉर्मल जो रेट्स है वो फाइनेंस एक्ट शेड्यूल के अंदर में दिए होंगे जबकि स्पेशल रेट्स आपको दिए होंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर फिर हम लोग आगे बढ़े थे हम लोगों ने सबसे पहले एक चार्ट बनाया था अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था उसमें लिखा था इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो सिक्सटी नॉन रेसिडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ एज एओपी बीओ आई एच यू एफ एजेपी अपू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड निल टू लैख्टी थाउजेंड टू फाइव लैख फाइव परसेंट शॉर्टकट

दूसरी बात थी हम लोगों की एच ई सी विल बी एट द रेट ऑफ देन वी हैव गॉन टू टूटी एट बी टॉक्स अबाउट राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम एंड राउंडिंग ऑफ ऑफ टैक्स राउंडिंग ऑफ ऑफ इनकम एंड टैक्स बोथ आर डन इन मल्टीपल ऑफ रुपीज टेन रूल ऑफ फाइव एप्लीकेबलो देन फोर्थ नोट हम लोगों ने पढ़ी थी स्पेशल रेट स्पेशल रेट में हम लोगों ने कल तक के तीन ही रेट्स के बारे में बात करी थी कौन से तीन रेट्स थे मैं आपको याद दिला देता हूं सबसे पहले था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड इलेवन ए फिफ्टीन परसेंट अगर हंड्रेड एंड इलेवन ए लिखा ना हो तो उसे नॉर्मल के अंदर कंसिडर करना है फिर था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व वो ट्वेंटी परसेंट पे था कैजुअल इनकम वो थर्टी परसेंट पे था तो यहां तक के हम लोगों ने बात करी थी हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए के ऊपर हम लोगों ने कोई बात नहीं करी थी जो हम बात अभी करेंगे आज करने वाले हैं राइट सो लेटे स्टार्ट हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए स्पेशल रेट्स पे आइए पेज नंबर सेवनटीन पे आइए एवरीबडी कम टू पेज नंबर सेवनटीन नोट्स आपके पास आ चुके होंगे अब तक के तो आप पेज नंबर सेवनटीन पे आइए सेवनटीन से आकर के स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोगों ने स्पेशल uh, रेट्स के अंदर में दो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया जो काम फ्यूचर में करेंगे अनएक्सप्लेन एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट हम फ्यूचर में करने वाले हैं. यहां तक वी हैव डन टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हंड्रेड एंड ट्वेल्व नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैपिटलिटीज हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए का जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इट अगेन अराइज ऑन सिक्योरिटीज विच मीन लिस्टेड शेयर इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जब आप ये सेल करते हैं तो आपको आता है कैपिटल गेन इसका एक डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे कैपिटल गेन के अंदर में अभी सिर्फ टैक्स कैसे निकालते हैं वो समझ रहे हैं Now, whatever the long term capital gain, tax is applicable beyond 1 lakh. It does not mean that it is income is exempt up to 1 lakh. The tax is applicable beyond. वन लाख रुपीज सो दैट मीनस अगर आपको दिया हुआ हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइट टू लाख रुपीज यू विल ऑन वन लाख यू नॉट कैलकुलेट टैक्स सो इन वर्ड लाख वी सेन नॉट चार्ज टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंगल ही आपको एटी थाउजेंड रुपीज हो तो क्या करेंगे थाउजेंड अगर आपको दिया है तो उस केस में आप कैलकुलेट नहीं करेंगे राइट right? आपको कैलकुलेट ही नहीं करना होगा बिकॉज अप टू वन लाख रुपीज इसका कोई कैपिटल इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्सेशन निकलता नहीं याद रखिएगा ये एक लाख रुपए तक एग्जम्ट नहीं है ये एक लाख ,00 के ऊपर ही टैक्सेबल है टैक्स इज एप्लीकेबल बियॉन्ड वन लाख रुपीज सो लेट्स से हम यहां पे दो एग्जाम्पल लेते हैं समझते हैं ये जो आप नोट्स का सेक्शन है वहां पे भी लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन

So, which simply means that in case of long-term capital gain under 111A, the tax is applicable beyond one lakh rupees. Let's say if it is two lakh rupees, then what we'll do? We'll calculate the tax only on one lakh into ten percent. That is ten thousand rupees. So. दैट इज उसेंड रुपीज सिंपली कैलकुलेटेड राइट सो दिस थिंग्स आर गिवन यू हैव टू टेक इट अकॉर्डिंगली आपको जैसा भी दिया होगा आपको क्या करना है अकॉर्डिंगली ही लेना है चलिए इसके ऊपर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आइए मेरे साथ हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लेट अस स्टार्ट आज का एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जांपल नंबर एट अगर हम कल की सीरीज से चलें तो एग्जांपल नंबर एट और नाइन वॉट्स एवर आप देख लीजिएगा राइट सो एग्जाम्पल अगर लेट से आपको दिया हुआ है पीजीबीपी 14 लैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 5 लैख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 4 ट्वेल्व शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टू लैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए थ्री लैक्स लेट से लॉटरी फोर लैख फर्स्ट ऑफ ऑल विल कंप्यूट द टोटल इनकम ओवरऑल कम्स टू रूपीस थर्टी टू लैक्स ओवरऑल कम टू रूपीस थर्टी टू लैख आई वुड रिक्वायर यू आप लोगों ने होमवर्क भी किया होगा तो मैं आपको कहूंगा कि आओ फटाफट हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे अब मुझे बताइए इनमें से कौन कौन से आपको स्पेशल दिख रहे हैं लेटमी यूज अ डिफरेंट पेन पीजीबीपी स्पेशल है नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंडर हंड्रेड एंड

स्पेशल इनकम यहां पे हम लोग उसके तीन पार्ट बना लेंगे एवरीबॉडी पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन रुपीस राइट सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम लिख लीजिए और स्टार्ट कीजिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम लिख लीजिए प्रॉब्लम को स्टार्ट कर लीजिए आगे मैं थोड़ा स्लो चलूंगा यस प्रभु आई थिंक इट इज डन फॉर्मैट बनाइए थोड़ा क्विक रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए नाउ इट इज 5 लाख, डू आई हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन 5 लाख और आई हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन 4 लाख, परफेक्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन 4 लाख ,00 इंटू परसेंट तो क्या सर वो बचे हुए एक लाख रुपए हम लोग नॉर्मल में ले लेंगे आंसर नो no. उसके ऊपर नहीं आने अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व फोर लैख इन टू ट्वेंटी परसेंट राइट दिस विल कम टू एटी थाउजेंड रूपीस थर्ड शॉर्ट टर्म अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए थ्री लैख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए थ्री लैख रूपीस इंटू फिफ्टीन परसेंट ये सोनो सॉल्व अलोंग विथ मी फोर्टी फाइव थाउजेंड then lottery 4 lakh fourth lottery 4 lakh into 30 percent 1 lakh ,00, 20 thousand yes or no चलिए मैं जब तक के सब टोटल कर लेता हूं हैबिट याद रखना एक और बार स्पीड में करके देख लेना सारे कैलकुलेशंस प्रॉपर है या नहीं है हैबिट रखो रीचेक करने की क्लाइंट नहीं तो बहुत गालियां मारता है लिटरली अगर अपने कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई ना क्लाइंट क्या बोलता है मालूम है क्या क्लाइंट बोलता है साला कैसा सी ए है इसको कैलकुलेशन नहीं जमते Uh, कई बार आपको खुद को भी लगता होगा जब आप अपने एक्सेल बनाते रहते ऑफिस के अंदर में तो सिंस आई एम टू प्रैक्टिसिंग कई बार एक्सेल बनाते रहते ना मैं मेरे आर्टिकल्स को कई बार गाली दे देता हूं। सच में 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 सेंस गाली देता हूं। मैं बोले यार तू तो क्या मजाक कर रहा है तेरे तेरे को को एक्सेल के अंदर में भी अगर नहीं कैलकुलेट करते आ रहा तो क्या करने का सो टू लैक एटी फाइव थाउजेंड इन टोटल दिस आर स्पेशल कैटेगरी डन लेट्स कंप्यूट ए नॉर्मल Now what are normal 14 lakhs plus two lakhs isn't it So total come to sixteen lakh rupees income up to rupees ten lakh I know the tax one lakh twelve thousand five hundred correct me balance would come to six lakh rupees टैक्स रेट ऑन विच टी आर नी आपको पूरा लिखना है बैल को बेल मत लिख देना इंस्टीट्यूट बेल बना के छोड़ेगा सो सिक्स लैख इन टू थर्टी परसेंट किसी भी तरीके से अपने को याद रखने का है सर एक मार्क भी इधर से उधर नहीं जाने देना चाहिए अपन ने ट्राई टू अचीव हाइएस्ट मार्क टू नाइंटी टू फाइव हंड्रेड अगेन हैव अ हैबिट क्रॉस चेक करने की मर्ज कर दो दोनों एक्सेल शीट टोटल टैक्स फाइव लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड फाइनली सिक्स लैक्स सिक्स हंड्रेड इज योर फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नो नीड टू राउंडेड ऑफ इट इज ऑलरेडी राउंडेड ऑफ राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो अपने को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है ठीक है डन सर शानदार सो वॉट वी हैव लर्न वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट द टैक्स अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए एज वेल यस सो नो हमने हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए के अंदर के भी कैलकुलेशन पूरे कर लिए रहे अब ये दो स्पेशल रेट कम टू पेज नंबर हंड्रेड सेवनटीन एज वेल राइट सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैजुअल इनकम दिस टू रेट्स विल डिस्कस इट इन फ्यूचर एट अप्रोप्रिएट टाइम हम इसको वापस से लेकर के आ जाएंगे डोंट वरी यस हालांकि ये मैंने यहाँ सर हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले थे तो नोट्स में आपने यहां पे क्यों दे दिया इसको यहां होना जरूरी है क्योंकि जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे राइट right? जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे थर्ड रीडिंग करेंगे तब तो आपको ये यहीं पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि तब तक के आपको आगे के सारे कंसेप्ट याद होंगे इसी के लिए उसको यहीं पढ़ना बहुत जरूरी है प्रभु ये yes सोनो चलिए आते हैं वापस से किसके ऊपर सर हम लोग आ जाते हैं वापस से टैक्स चार्ट के ऊपर टैक्स चार्ट के ऊपर वापस आइए ये एक चार्ट हमने बनाया था अब तक इसके ऊपर चार नोट आ चुकी है पहला रिबेट दूसरा एच तीसरा राउंड ऑफ एंड द फोर्थ वन इज स्पेशल रेट एंड नाउ वी हैव ऑल डन हमने इसके ऊपर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए कुछ होमवर्क्स भी थे हम लोग एट दी एंड देख लेंगे कि होमवर्क्स क्या थे और उसको एक, एक साथ क्या कर लेंगे कंपाइल कर लेंगे अब समय आ गया है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें राइट चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट के ऊपर एंड द फिफ्थ पॉइंट ऑफ द नोट फिफ्थ नोट फिफ्थ नोट चार्ट के नीचे आइए चार्ट के नीचे फिफ्थ नोट डालिए द फिफ्थ नोट इज सरचार्ज आई थिंक इट इज वेल सेड एंड डन

टिल 2019 पूरी हिस्ट्री सुनिएगा टिल फाइनेंस एक्ट 2019 थाउजेंड एंड नाइनटीन देर आर ओनली टू सरचार्ज रेट इफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एच यू एफ एपी बीओ आई एक्सीड रुपीज फिफ्टी लैख राइट एक्सीड रुपीज सॉरी इफ द सरचार्ज रेट केस ऑफ इंडिविजुअल एच यू एफ एक्सीड रुपीज फिफ्टी लैख द सरचार्ज रेट वॉज टेन परसेंट एंड इफ द इनकम एक्सीड रुपीज वन करोड़ द सरचार्ज रेट वॉज फिफ्टीन परसेंट ये yes सोनो no? कुछ याद आया वापस से डिस्कस करते हैं ध्यान से सुनिएगा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर गई सरचार्ज रेट 10 परसेंट अगर आपकी इनकम एक करोड़ के ऊपर गई सरचार्ज रेट 15 परसेंट नाउ इसका एक लिंक जोड़ते हैं लिंक कहां से था लिंक था मोदी गवर्नमेंट इन 2014 जब आने वाली थी उस टाइम पे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था दैट मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा सरचार्ज किसके ऊपर लगता है अ पर्सन विच इज अर्निंग अ

ये जो नए सरचार्ज ऐड किए गए इन्हें नाम दिया सर्चार्ट। सर्चार्ट गया एनहांस सरचार्ज और सरचार्ज की लिमिट में चेंजेस क्या आ गए फ्रॉम 2019 थाउजेंड सरचार्ज में अब चार लिमिट बन गई पहला इफ द इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज इफ द इनकम एक्सीड 50 लाख रुपीज द सरचार्ज रेट वॉज 10 परसेंट इफ द इनकम एक्सीड वन करोड़ रुपीज टिल टू करोड़ रुपीज द सरचार्ज रेट वॉज फिफ्टीन परसेंट वेर एस इफ द इनकम एक्सीड टू करोड़ एंड इन बिटवीन द रेंज ऑफ फाइव करोड़ द सरचार्ज रेट वॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट

दिस क्रिएटेड अवी टैक्स बर्डन ऑन अ पर्सन हैविंग इनकम अबाउ फाइव करोड़ मैं आपको बताता हूं uh, क्या कॉन्सेप्ट और किस थेरी से लाया गया वैसे अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच सुने तो देर आर ओनली सिक्स टू सेवन परसेंट ऑफ द पीपल हु पे द टैक्सेस येस Who pay the taxes. पे द टैक्सेस इस पर अरुण जेटली साहब का आपको एक स्पीच सुनना चाहिए उनने हंसते हुए भी कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बेसिक लिमिट से ऊपर नहीं है पर उन लोगों ने कार खरीदी है उन लोगों ने बाइक्स खरीदी है उन लोगों ने अदर असेट्स में इन्वेस्ट किया है पता उनको भी है कि कहीं ना कहीं कई कही लोग इन्वॉल्व है इनकी इनकम को यू you नो know, किसी तरीके से कम करने के लिए खैर द पॉइंट इज हंसे भी थे वो इस बात पे जब वो बजट स्पीच दे रहे थे अब यहां पे क्या रेट आ गया होगा आप समझिए सपोज एक पर्सन को इमेजिन करते हैं सलमान खान राइट इमेजिन अ पर्सन हैविंग एन इनकम ऑफ लेट्स से हंड्रेड करोड़ रुपीस इस हंड्रेड करोड़ की इनकम के ऊपर वूपिंग टैक्स आप समझ रहे हैं अपने साथ सिर्फ कैलकुलेटर उठाइए आपको दिखेगा थर्टी इज द टैक्स रेट प्लस थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज एड कीजिए थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट सेस प्लस फोर परसेंट सेस कितना आता है फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट मींस द हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस हाइएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज प्लस सेस इट बिकेम्स 42.744% परसेंट. सो लेट्स से इफ मिस्टर सलमान खान अर्नस 100 करोड़ रुपीस नियरली 42.744 करोड़ रुपीस हैज टू पे टू गवर्नमेंट और ये उनको फील हुआ कि 2014 में जो स्पीच दिया था उसका मतलब अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा इसी के पीछे आपको एक हिडन राजनीतिक एजेंडा भी बताता हूं मोदी सरकार हैज इट्स ओन विजन यस और नो यू कैन सी इट राइट पीपल कैन ऑल्सो सीड दे है टैक्स रेट दे इनक्रीज सरचार्ज मैं दो दिन पहले आपको कह रहा था बेटा मैं आपको समझाऊंगा इसको हिस्ट्री के साथ और ये है उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हैं मोदी गवर्नमेंट ने अपने कुछ एजेंडाज को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली बात है ना एजेंडा उनको अप्रोप्रिएट uh, मीनिंग देना होगा आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस बट उनने अपने कुछ एजेंडा को कुछ डिसीजन uh, को पूरा करने के लिए कुछ अलग एरियाज में सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए क्या किया उन्होंने यूनियन का पैसा बढ़ाया मतलब सरचार्ज को इंक्रीज किया उन्होंने टैक्स रेट को इंक्रीज नहीं किया मतलब पैसा स्टेट्स में नहीं गया पैसा सीधा यूनियन के पास गया वैसे मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार भी होती तो ये एकदम लॉजिकल सेंस था कि हर सरकार के अपने कुछ मिशन होते हैं कुछ एरियाज होते हैं जिनके ऊपर उन्हें फोकस करना होगा ऐसा नहीं होगा कि वो उनके पर्सनल मीन के लिए यूज करेंगे क्योंकि इसका पूरा पूरा ब्योरा देना पड़ता है ये सोनो सो द पॉइंट इज कि सरचार्ज इंक्रीज किया गया और यूनियन गवर्नमेंट अपने कुछ स्कीम्स जो सिर्फ यू uh, नो you know, इस गवर्नमेंट के नाम से चले जैसे आज स्टार्टअप इंडिया के लिए जो इतना बड़ा फंड निकाला गया है इस कोविड नाइनटीन में जो इतना बड़ा फंड निकाला गया है साथ साथ में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कई टेक कंपनीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के अंदर में आगे जाने के लिए किया गया है गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीज के अंदर में कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है आईएफएससी डेवलप करने के लिए किया गया है तो पैसा एकदम जेन्युनली के लिए यूज हुआ होगा नो डाउट एनी स्कैम्स इन टू पिक्चर बट ये पैसा सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास गया तो मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ नहीं। उनने क्या इंक्रीज किया? को किस तरह से दिया गया मैं आपको बताता हूं इन गरीबों को किस तरीके से बेनिफिट दिया गया यह जो पैसा यूज हुआ इससे अलग अलग स्कीम्स चली गवर्नमेंट की आपने देखा होगा ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट देर आर मेनी स्कीम रन राइट कई स्कीम्स को रन किया गया तो ऐसी सीम्स के अंदर में इनने क्या लगाया पैसा लगाया और ये ऑब्जेक्टिव ही था सरचार्ज को इंक्रीज करने के पीछे सो आइए है, पढ़ते हैं सरचार्ज ये थी उसकी पूरी हिस्ट्री जो 2014 से चालू हुई थी और 2020 तक के है इन फाइनेंस एक्ट 20 क्या सरचार्ज के साथ कोई चेंज किया गया है क्या नहीं इन फाइनेंस एक्ट 20 सरचार्ज के साथ कोई चेंज नहीं किया गया है। मतलब सरचार्ज बिल्कुल उसी तरीके से रखे गए हैं इन बिटवीन आपको एक और चीज सुननी जरूरी है ट्वेंटी

ऐसा क्यों हुआ उन्होंने जो 111 ए और 112 ए है उसके ऊपर से सरचार्ज हटा दिया एनहान मतलब क्या था जरा एनहांस उन्होंने है। उन्होंने सर चार्ज हटाया सरचार्ज है मीनिंग समझिए लेट से हंड्रेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है हंड्रेड एंड इलेवन ए का पांच लेट करोड़ रुपीज सरचार्ज का रेट क्या होगा सिक्स करोड़ है तो सरचार्ज का रेट आपके हिसाब से थर्टी सेवन परसेंट होना चाहिए था बराबर है लेकिन अगर ऐसा करते तो इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से हिल जाता क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा पैसा एफ के तौर पे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में लगा हुआ है एंड दे सेड कि अगर आप एनहांस सरचार्ज हमारे ऊपर लगा देंगे एनहांस सरचार्ज हमारे ऊपर लगा देंगे तो इंडिया में इन्वेस्ट करके फिर मतलब ही क्या है हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए साथ ही साथ में जो फॉरन पॉलिसी थी मोदी गवर्नमेंट की उसके अंदर में मोदी गवर्नमेंट जब से आई थी फ्रॉम टू थाउजेंड एंड फोर्टीन देवर ट्राइंग देवर ट्राइंग हार्ड कि अलग अलग यू नो बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट्स आए अलग अलग बड़ी कंपनी से इन्वेस्टमेंट्स आए अलग अलग कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करे जैसे सऊदी अरेबिया से वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आए गूगल से इन्वेस्टमेंट्स आया माइक्रोसॉफ्ट से इन्वेस्टमेंट्स आया सो yes नो no? अभी रिलायंस uh, का एजीएम हुआ फोर्टी थर्ड एजीएम उनके अंदर में आप देखिए सब गूगल गूगल ने इन्वेस्ट किया सुंदर पिचाई जी के थ्रू के इन्वेस्टमेंट्स आए तो ऐसे कई इन्वेस्टमेंट्स को पुल किया गया इंडिया के अंदर में और आप जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे साथ पेपर सिक्स सी में जाएंगे इंटरनेशनल टैक्स में मैं आपको बताऊंगा कि आज इंडिया कैसे एक बहुत बहुत एक टैक्स न्यूट्रल कंट्री चल रही है एक लो टैक्स कंट्री है अमंग वेरियस ज्यूरिस्डिक्शन अलग-अलग कंट्रीज में इंडिया सच में एक बहुत लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन है एक्चुअली इट इज अ वेरी लो टैक्स ज्यूरिस्डिक्शन आप जब इंटरनेशनल टैक्स में होंगे मेरे साथ पेपर 6C में तो हम वहां पे बहुत वाइडली डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया को एक बहुत टैक्स uh, न्यूट्रल बनाया गया एक बहुत uh, लो टैक्स कंट्री बनाया गया और इसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि जब चाइना ने कोविड नाइनटीन सिचुएशन के अंदर में यू नो जब चाइना से पूरा का पूरा वर्ल्ड नाराज है तब तो बहुत सारी कंपनीज आर मूविंग इन टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स लो टैक्स जूरिस्डिक्शन एज वेल ये नो तो टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी से होता है प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट करते हैं डिसीजन क्या होता है डिसीजन आता है एनहांस ट्वेंटी थर्टी सेवन परसेंट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल अगेन अंडर हंड्रेड एंड इलेवन एवन टॉक्ट अबाउट हंड्रेड एंड ट्वेल्व ंड्रेड एंड इलेवन ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए जो सिक्योरिटीज के ऊपर आता है सिर्फ वही क्योंकि स्टॉक मार्केट नहीं तो क्रैश कर जाता था एफ आई आर निकल जाते थे तो राइट right? सो so, इसी के लिए क्या किया गया उन्होंने बोला हम एनहांस सरचार्ज आपके ऊपर नहीं लगाएंगे सरचार्ज है सो so अगर छह करोड़ रुपए का इनकम आता है फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन दैट केस टैक्स रेट वुड बी फिफ्टीन परसेंट प्लस सरचार्ज रेट वुड बी फिफ्टीन परसेंट इवन दो इट इज सिक्स करोड़ फिफ्टीन परसेंट सरचार्ज है

इसके ऊपर हमें बहुत डीप जाना होगा एक एक लाइन को हम लोग क्लियर करेंगे पहले कुछ बातें वापस से क्लियर करते हैं स्टार्ट शुरुआत से अगेन सम अप करते हैं पूरी हिस्ट्री सारी सारी चीजों को सरचार्ज अब क्या है फाइनेंस एक्ट टू से चार सरचार्ज इफ इनकम एक्सीड फिफ्टी लाख रुपीज टेन वन करोड़ रुपीज फिफ्टीन परसेंट टू करोड़ रुपीज ट्वेंटी फाइव परसेंट 5 करोड़ रुपीस 37%। सेवन परसेंट हाउ एनहांस सरचार्ज ऑफ 25% एंड 37% इज नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड ए यहां तक के क्लियर है मालिक ओके सर अंडरस्टैंड सरचार्ज इज व्हाट? सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी एडिशन है जो ओवर एंड अब टैक्स क्या किया जाता है एडअप किया जाता है सो लेटस चेक सरचार्ज इनकेस ऑफ इंडिविजुअल एच यू एफ एओपी बीओ आई एजेपी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फर्म वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट को ऑपरेटिव सोसाइटी अप टू फिफ्टी लैक्स निल साथ साथ में लिखिए दिस इज नोट नंबर फाइव फिफ्टी लैख टू वन करोड़ टेन परसेंट वन करोड़ टू टू करोड़ फिफ्टीन परसेंट टू करोड़ टू फाइव करोड़ ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड अबव फाइव करोड़ 37 सेवन परसेंट दिस इज कॉल्ड एज एनहांस्ड सरचार्ज और अलग कलर के पेन से इसी के नीचे लिखिएगा अलग कलर के पेन से इसी के नीचे लिखिएगा एनहांस्ड सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए एक पार्ट लिख दीजिए हम लोग एक एक के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन लेंगे डन चलिए लेट एस स्टार्ट सो एनहान सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हंड्रेड एंड इलेवन ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए नाउ लेट एस अंडरस्टैंड राइट एक एक डीप के अंदर में समझते हैं पॉसिबल होगा तो आप लोग भी मेरे साथ एग्जाम्पल लिखिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जाम्पल नंबर नाइन और टेन मैं मेरे हिसाब से नाइन रख रहा हूं आपके बुक में हो सकता है टेन भी हो मैं नंबरिंग के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं ठीक है लेट अस से आपका नॉर्मल इनकम आता है फिफ्टी टू लैख रुपीज यम योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन Under section 112A comes to 6 lakh rupees. How tax will be calculated? How tax will be calculated? Now, you tell me what is your total income?

आओ मेरे साथ कैलकुलेट भी करो आओ मेरे साथ कैलकुलेट भी करो सबसे पहले स्पेशल अलग कर दिया स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए बताइए सिक्स लाख पे टैक्स लगेगा या फाइव लाख पे लगेगा बिल्कुल सही जवाब फाइव लाख इंटू टेन परसेंट देयर बाय फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फाइव लाख इन टू टेन परसेंट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज इसके बाद बचता है नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम कम्स टू फिफ्टी टू लैख इनकम अप टू टेन लैख वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड वॉट एवर इज बैलेंस

द टैक्स कम्स टू फिफ्टी थाउजेंड बराबर दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर देने का निकलेगा टोटल टैक्स कमिंग टू फोर्टीन लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड एड सरचार्ज सिंस ओवरऑल इनकम Since the overall income exceed rupees 50 lakh surcharge is applicable now, surcharge on normal income as well as special income will be 10%. This is not an enhanced surcharge, this is a normal surcharge. So on either of that it will be 10% only. So 14 lakh 22,500 into 10%, 1 lakh Add back. Your total will come to fifteen lakh sixty four thousand seven twenty. Is is this my answer? Answer is no. You have to apply HEC at the rate of four percent. याद होगा तो सरचार्ज कब लगता है After सरचार्ज और रिबेट इफ एन तो इन दोनों का टैक्स आ चुका है इस पे चार परसेंट फोर परसेंट सिक्स टू फाइव नाइन जीरो एड कर लीजिए योर टोटल टैक्स कम्स टू सिक्सटीन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड थ्री फोर्टी देर इज नो रिक्वायरमेंट टू एड वॉट टू अप्लाई राउंडिंग ऑफ जस्ट चेक इट हमने लॉन्ग टर्म के ऊपर पांच लाख पे निकाला जबकि एक्चुअली वो छह लाख था आई नो यू द रीजन राइट अदर इनकम के ऊपर जैसे नॉर्मल टैक्स निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने टैक्स निकाला देर इज नो चेंज देन दोनों टैक्स को हम लोगों ने क्या कर दिया मर्ज कर दिया इट कम्स टू फोर्टीन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन सिंस यहां पर आपको लिखना है तो आप अपने पर्पज के लिए लिख सकते हो ऑन बोथ इनकम दोनों इनकम के ऊपर कितना लगाया आप लोगों ने सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट सरचार्ज आपने अप्लाई कर दिया देन ऑन द एग्रीगेट ऑफ बोथ हमने फोर परसेंट का सेस लगा दिया मालिक एंड आपका फाइनल टैक्स लाइबिलिटी यहां पे बाहर आ गया गेम ओवर यानी हमें क्या समझा इफ द इनकम एक्सीड फिफ्टी लाख रुपीज वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम सरचार्ज रेट वुड बी टेन परसेंट फिक्सड इन माइंड एग्जाम्पल क्लियर है राइट नोट्स में आइए पेज नंबर सेवेंटीन दिस इज अ क्लियर कट पॉइंट सिक्स मेरे साथ रीड कीजिए बेर एक्ट की लैंग्वेज फाइनेंस एक्ट नाइनटीन हैज चेंज द सरचार्ज फाइनेंस एक्ट नाइनटीन हैज चेंज द सरचार्ज एंड न्यू रेट वेयर प्रोवाइडेड हाउ एवर ऑन ऑफ़ सप्टेंबर फाइनेंस मिनिस्टर ब्रॉड टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस which has further changed the surcharge rate for individual hof aop by ajp if total income total income they are talking about total income

total income including including the income of 111 a 112 a our example right exceeds 50 lakh but does not exceed 1 crore here the surcharge rate would be 10% and here also the surcharge rate would be 10% yes or no your surcharge is applicable enhanced surcharge is not applicable so अगर आपको चाहिए यहां पे आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर नाइन या एग्जाम्पल नंबर टेन जो जैसा भी आप लोगों ने अपनी बुक पे लिखा होगा मैंने नाइन पे किया है तो मैं लिख रहा हूं। आपने जहां पे भी किया होगा इनफैक्ट इसके आगे अगर आप पेज नंबर भी डाल दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको ईजी रहेगा जब सेल्फ स्टडी करते रहोगे कि हर पॉइंट पे हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है ठीक है चलिए आते हैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर सरचार्ज को और डीप में पढ़ना है अपने को ठीक है तो आते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी के ऊपर दूसरी कैटेगरी क्या है अपनी सर दूसरी कैटेगरी है अपनी इफ द इनकम एक्सीड वन करोड़ दोनों की इनकम अगर मिला के वन करोड़ के ऊपर जाती है सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन लेट से योर पी जी बी पी इनकम वन पॉइंट थर्टी सी आर योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवन ए लेट से 60 lakhs. Done, Prabhu? First of all, think, give a thought. What is your total income? Total income is 1.90 CR. Do you agree? ट मींस इट एक्सीड वन करोड़ बट डो नॉट एक्सीड टू करोड़ दिस इज द ब्रैकेट नाउ इफ द इनकम एक्सीड वन करोड़ रुपीज आस्क योर सेल्फ आपने आपसे खुद से पूछे अपने घर वालों से कोई आजू बाजू होगा और कुछ नहीं होगा तकिया होगा सामने लैपटॉप पड़ा होगा उससे पूछने का बता सचार्ज रेट कितना होगा आपको उसमें से जवाब नहीं आएगा तो खुद में आपने आपको बोल देने का सरचार्ज रेट अगर एक करोड़ से दो करोड़ के बीच में है तो सचार्ज रेट कितना होना चाहिए फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए क्या ये फिफ्टीन परसेंट नॉर्मल सरचार्ज कहते हैं या इसे न सरचार्ज कहते हैं याद आएगा आपको इसे क्या कहते हैं नॉर्मल सरचार्ज कहते हैं नॉर्मल सरचार्ज है मतलब एक पे है या दोनों पे है सर दोनों पे है यानी यहां पे भी 15 परसेंट यहां पे भी 15 परसेंट डू यू अग्री यहां पे भी 15 परसेंट यहां पे भी 15 परसेंट डू यू अग्री यस तो आओ मिल करके सॉल्व भी कर लेते हैं चलो प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर आपको अभी है ना ये लग रहा होगा कि यार कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कितने प्रॉब्लम और मैंने आपको पहले ही कहा था प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा साहब क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब आप खुद से कुछ भी करने वाले नहीं हो बुक में दे दिया तो बुक भी पढ़ने वाले नहीं हो मैं तो प्रैक्टिस यही करवा के छोड़ूंगा पूरी की पूरी मेरे साथ नाउ यहां पर स्पेशल इनकम आ गया बना लो मेरे भाई तीन चीजें और आपको दस बार लगेगा ये बार बार मैं क्यों बना रहा हूं मैं याद रखो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं चुपचाप फॉर्मेट की प्रैक्टिस करने का मेरे साथ कोई होगा ये नहीं लिखेगा तो मैं आपको बता दूं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता समझ में आ रही बात मैं आज से प्रैक्टिस लगा रहा हूं मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो किसी को जमता है मेरे से स्पीड में सॉल्व करो बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है यस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिक्सटी लाख रुपीज आई थिंक सिक्सटी लाख इन टू फिफ्टीन परसेंट कम्स टू नाइन लाख रुपीज

you know what is the tax 1 lakh 12,500 isn't it balance 1 crore 20 lakhs what is the tax rate brother 30% This comes to thirty six lakhs, thirty seven lakh twelve thousand five hundred, isn't it? Plus nine lakh. Total tax would come to forty six lakh. 12,500, isn't it? Now tell इट नाउ टेल मी इज within इनकम कम्स विद इन द ब्रैकेट ऑफ Now टू the करोड़ नाउ हियर द on रेट इज the income. ऑन बोथ ऑफ द इनकम किसी का नहीं हुआ होगा तो प्लीज ये कर लो बट आई थिंक आप मेरे से ज्यादा स्पीड हो चुके होंगे अब आप इसमें यस yes. इसके ऊपर आप क्या कैलकुलेट करेंगे सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे विच शुड कम टू सिक्स लैख नाइन्टी वन थाउजेंड एट सेवेंटी फाइव चेक इट ऑन योर ओन योर टोटल कम्स टू फिफ्टी थ्री लैख फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव अब भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में फोर परसेंट फाइनल टैक्स कम्स टू फिफ्टी फाइव लैख सिक्सटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव लैख सिक्सटीन थाउजेंड फाइव फिफ्टी गेम ओवर आई होप बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा और वो इसलिए आ रहा होगा साहब क्योंकि माइंड भी अब तक के सीए फाइनल्स के तुमने जो किए होंगे उनमें बहुत कम जगह पे एक्चुअली सॉल्व करने को मिलता है बिकॉज आई आई नो दिस कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ाया जाता है और बहुत कम जगह एक्चुअली सॉल्व होता है और पता है तुमको लाइफ में एक्चुअल मजा कब आना चालू होता है मजा तब आता है जब तुम कुछ कैलकुलेट करने में आंसर सही आ जाए यू फील लाइक हाँ मेरे को कुछ तो आ रहा है सब्जेक्ट के अंदर में कुछ तो जम रहा है जिंदगी के अंदर में और स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक टैक्स कॉस्टिंग अकाउंट्स दैट इज एफ इनमें बहुत अलग मजा आता है अगर आपका बैलेंस शीट टैली हो गया आपका जो कैलकुलेशन या रेशियो निकालना था ये प्रॉपर निकल गया ये जो कैलकुलेशन आने थे वो प्रॉपर आ गए तो एक अलग

टिल टाइम आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे हैं माइंड भी आप में से कुछ सोच सकते हैं कि हम क्या स्लो कर रहे हैं क्या हर एक चीज के ऊपर प्रॉब्लम कर रहे हैं इतना तो समझ गया मेरी बात समझिए सर मैं चाहता तो आपको ये बुक के अंदर में भी दे सकता एज इट इज सॉल्व करके दे देता बट बिलीव मी आप उसको ऑडिट कर देते हाँ ये आ गया ये आ गया ये आ गया नो no डाउट शायद हमारे एक दो लेक्चर और बच जाते एक दो लेक्चर और बच जाते लेकिन उस टाइम पे ना तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं आता सब्जेक्ट के ऊपर बिलीव मी कॉन्फिडेंस नहीं आता और अब तुम क्या करोगे मानो में अब तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे इनफैक्ट अपने सॉफ्टवेयर के अंदर में चेक करने से पहले तुम खुद कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर डालोगे ये मैं आप देखिएगा ये चीज जरूर होगी व्हाट इज दैट दिस इज समथिंग यू आर डेवलपिंग राधर देन मगिंग अप आप डेवलप हो रहे हो धीरे धीरे राधर देन मगिंग यही चीज एक्चुअली इन लर्निंग स्टेज होनी चाहिए यस और नो फिर जब अपने छोटे भाई बहन जो सीए कर रहे होंगे उनको समझाओगे अगर उनको टैक्स कैलकुलेशन नहीं आएगा आपका ऑटोमेटिक खुद से क्या बनेगा एक दिल यू uh, नो you know, लगेगा कि हाँ यार चल अपने को आ रहा है अच्छा लग रहा है और आपका आंसर और आपका सामने वाला सॉफ्टवेयर का आंसर मैच हो गया तब तो सर पूछो ही मत तुमको ऐसा लगेगा कि आपू भगवान है तो वो एक फीलिंग आपके अंदर में जरूर डेवलप होगी आई एम sure. श्योर यहां तक के हम लोगों ने दूसरा पार्ट दिख लिया मतलब अगर इनकम एक करोड़ के दो करोड़ के ब्रैकेट के बीच में है वेदर यू हैव अ स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम द सचार्ज रेट वुड बी 15 परसेंट अग्रीड नहीं अग्री हुए होंगे तो यहां आइए मैं अग्री करवाऊंगा इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग हंड्रेड ए एंड हंड्रेड एंड ट्वेल्व एक्सीड वन करोड़ बट डू नॉट एक्सीड टू करोड़ इट विल बी फिफ्टी टीन परसेंट इन ईदर ऑफ द केसेस वेदर हंड्रेड एंड इलेवन ए केस और अदर इनकम बोथ विल बी फिफ्टीन परसेंट ये सोनो यहां से एक अलग गेम शुरू होता है मैं आपको बताता हूं क्या सर सपोज सपोज एग्जाम्पल नंबर इलेवन यहां पर आइए यहाँ पे लिख दीजिए एग्जाम्पल नंबर टेन और इलेवन जो भी आपके इसमें होगा मेरा टेन है इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना एग्जाम्पल नंबर इलेवन सपोज योर पीजीबीपी इनकम सपोज योर पीजीबीपी इनकम इज लेट से वन पॉइंट फिफ्टी करोड़ एंड योर लेट से short term capital gain under 111a comes to 1 crore and thereby your income is 2.5 crore now, now there arises simple logical question अब यहां पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन क्या आता है जरा सुनिएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क माय वर्ड किसी का वीडियो अगर 1.5 1.8 पे होगा तो चुपचाप उसे 1.2 पे लेकर के आ उसे ठीक है ध्यान से सुनिएगा नाउ द पॉइंट इज पीजीबीपी आपका 1.5 करोड़ है एंड अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम वन करोड़ है देर योर टोटल इनकम इज टू करोड़ नाउ योर इनकम एक्सीड टू करोड़ रुपीज डज नॉट एक्सीड फाइव करोड़ रुपीज ऐसे केसेस में सरचार्ज क्या होना चाहिए था सपोज आपको रूल नहीं पता सरचार्ज क्या होना चाहिए था दो करोड़ के ऊपर गए तो सरचार्ज होना चाहिए था ट्वेंटी फाइव परसेंट अग्रीड बराबर है लेकिन एनहांस एप्लीकेबल नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एप्लीकेबल नहीं है तो आपका व्यू रहेगा इस इनकम के ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट लगाओ और इस इनकम के ऊपर फिफ्टीन परसेंट लगाओ डू यू अग्री आपका मूड यही बनेगा क्योंकि

अगर आप यहां पे देखेंगे तो मेरी इनकम दो करोड़ के ऊपर जाती है हालांकि एनहांस सरचार्ज किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है स्पेशल इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो टेंटेटिवली किसी भी प्रोफेशनल स्टूडेंट का आंसर ये होगा कि ठीक है सर इस इनकम के ऊपर आप पंद्रह परसेंट लगा दीजिए और ये जो अदर इनकम है इसके ऊपर ट्वेंटी ट्वेंटी लगा दीजिए दिस इज अ नॉर्मल ओपिनियन यू विल हैव सेम ओपिनियन सेम ओपिनियन कई टैक्स पेयर्स की भी थी लेकिन टैक्स पेयर्स ने टैक्स पेयर्स ने इसको डिपार्टमेंट के सामने रखा कि बोला सर ये जो स्पेशल इनकम हमारी आई है ये रोज रोज आने वाली तो इनकम है नहीं पर इस इनकम के कारण मेरा सरचार्ज रेट जो है ये एनहांस हो जा रहा है एंड दिस इज अ जेन्युन हार्डशिप द टैक्स पेयर डोंट यू थिंक सो ये जो इनकम है यह स्पेशल इनकम है ये जो इनकम है स्पेशल इनकम है स्पेशल इनकम हर बार नहीं आती लेकिन इस स्पेशल इनकम के कारण आपका ओवरऑल सरचार्ज तो टेन परसेंट से इंक्रीज हो जा रहा है ना और ये जेन्युन हार्डशिप है किसी के भी ऊपर कि किसी और इनकम के कारण मेरा मान लो अगर मेरी अदर इनकम ही दो करोड़ के ऊपर होती तब तो ठीक था मेरा सरचार्ज ही ट्वेंटी फाइव परसेंट होता लेकिन मेरी अदर इनकम दो करोड़ के ऊपर नहीं है मेरा नॉर्मल इनकम दो करोड़ के नीचे है और सिर्फ स्पेशल इनकम आने की वजह से मेरी इनकम दो करोड़ के ऊपर चल जा रही है स्पेशल इनकम मुझे हर रोज तो हर साल तो मिलने वाली है नहीं तो सरकार को बोला हे hey, सरकार जी कुछ कंसिडर कीजिए ये मेरी हर रोज के आने वाली इनकम नहीं है तो निर्मला दीदी प्लीज इस बात को कंसिडर कीजिए निर्मला दीदी ने इस बात को कंसिडर किया निर्मला दीदी ने कहा ठीक है मैं आपकी जेन्युन हार्डशिप को समझती हूं कि हां ये इनकम रोज रोज नहीं आती और ये इस साल ही आई है दिस इनकम डज नॉट अराइज एवरी ईयर एंड दिस इज ओनली अराइज इन दिस पर्टिकुलर पर्टिक्यूलर इविंग टू विच योर सरचार्ज है लेवल विल गिव यू अफिट इंस्टेड इंस्टेड ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट यू ऑल्सो पे फिफ्टीन परसेंट हियर हाउ एवर दिस इज द केस ओनली वेन दिस इज द केस ओनली वेन योर अदर इनकम डज नॉट क्रॉस द लिमिट ऑफ एनहानस सरचार्ज सो अगर ये दोनों इनकम मिला के आपके दो करोड़ एनहानस सरचार्ज की लिमिट में जारी होगी तो गवर्नमेंट ने बोला हम इसको कंसिडर करेंगे हम इसको कंसिडर करेंगे और आपको हम एनहांस की जगह क्या देंगे नॉर्मल सरचार्ज ही देंगे ये आपको हम बेनिफिट दे सकते हैं इतना बेनिफिट हम आपको दे सकते हैं तो सरकार ने ये बात समझी अब जो इस पॉइंट को पूरा नहीं समझ पाएंगे जरा समझना एक सिचुएशन ये जहां पे अदर इनकम ही आपकी लोअर लिमिट पे थी और स्पेशल इनकम मिलाने के बाद आप किसके ऊपर चले गए दो करोड़ के ऊपर चले गए सपोज अगर यहीं पे एग्जांपल ऐसा होता पीजीबीपी पे होता 2.30 करोड़ और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111 ए होता लेट से वन करोड़ रुपीज अब इस केस में असेसी को की कोई हार्डशिप है ही नहीं अंडरस्टैंड इस केस में के लिए कोई हार्डशिप नहीं है क्यों क्योंकि वैसे भी उसकी इनकम दो करोड़ के ऊपर जा रही है मतलब बाई डिफॉल्ट में भी वो ट्वेंटी फाइव परसेंट में ही कवर था इस इनकम के होने या ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसकी अदर इनकम ही दो करोड़ रुपए के ऊपर थी जब उसकी अदर इनकम ही दो करोड़ रुपए के ऊपर थी तो उसको जेन्य हार्डशिप कुछ भी नहीं हो रही इस केस में उसको जेन्युन हार्डशिप थी उसकी अदर इनकम दो करोड़ के नीचे थी पर इस इनकम के एड होने के कारण उसको एनहान सरचार्ज में जाना पड़ रहा था यहां वो ऑलरेडी एनान सरचार्ज में आ चुका है तो इसके लिए कोई जेन्युन हार्डशिप नहीं तो ऐसे केस में यहां ट्वेंटी होगा यहां फिफ्टीन होगा यह बात आपको याद रखनी है वापस से पूरा रिपीट कर देता हूं ध्यान से सुनिएगा जहां मेरी इनकम जहां मेरी इनकम राइट दो करोड़ से ऊपर है पांच करोड़ तक के है मेरा सरचार्ज रेट क्या होना चाहिए था ट्वेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए था लेकिन एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए एंड हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए तो ऐसे केसेस में क्या किया गया जरा ध्यान से सुनिएगा पहला एग्जाम्पल जहां मेरी नॉर्मल इनकम दो करोड़ से नीचे है पर स्पेशल मिला दे तो ओवरऑल करोड़ के ऊपर चल जाती तो ऐसे केस में किसी बंदे का व्यू क्या हो सकता है नॉर्मल पे ट्वेंटी अब ऐसे केसेस में वो गवर्नमेंट के पास जाएगा गवर्नमेंट को बोलेगा सर इट इज हार्डशिप इट इज अ स्पेशल इनकम विच नॉट अराइज एवरी ईयर एंड गिव मी अ बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस इनकम माइ सरचार्ज विच वॉज फिफ्टीन

तो बस काम खत्म यहां नॉर्मल इनकम जो रहेगी उस पर सरचार्ज आएगा और अदर इनकम जो रहेगी इसके ऊपर क्या आएगा आपका नॉर्मल सरचार्ज होगा तो आइए एक एक पॉइंट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले ये लॉ पढ़ लेते हैं सिक्स पॉइंट पे आइए डायरेक्टली सिक्स पॉइंट पे आइए डायरेक्टली यहां पे मार्क कीजिए वेरी इंपॉर्टेंट वे आर द टोटल इनकम इनक्लूडिंग बोल रहे वो इनक्लूडिंग हंड्रेड एंड इलेवन ए एंड हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए जब आपकी टोटल इनकम मिला के मिला के एक्सीड्स टू करोड़ बट इज नॉट कवर्ड बाय दिचुएशन ऑफ फोर और फाइव हंड्रेड एंड इलेवन ए ए एंड ट्वेल्व ए फिफ्टीन परसेंट अदर इनकम इज ऑल्सो फिफ्टीन परसेंट राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर इलेवन बराबर यही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं नाउ नाउ माई टोटल इनकम इज टू पॉइंट फाइव करोड विच ब्रिंग्स मी टू द ब्रैकेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट बट दिस एक्सीडिंग टू पॉइंट टू करोड़ इज बिकॉज ऑफ अ स्पेशल इनकम अगर यहां स्पेशल इनकम ना होती तो ये स्पेसिफिकली किसके अंदर में जाता 15% परसेंट के अंदर में जाता यहां स्पेशल इनकम मिला के अगर आपकी इनकम दो करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है तो उस हंड्रेड एंड इलेवन ए वाले पे तो आपका 15% परसेंट गई, ही उस पर तो वैसे भी एनहांस नहीं होता अदर इनकम पे भी क्या हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा सो लेटेस सॉल्व दिस प्रपोजिशन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सर बताइए बिल्कुल अपन तो नॉर्मल वाले में सबसे पहले चल जाएंगे स्पेशल वाले में सबसे पहले चल जाएंगे ये बना लिया हमने दो पार्ट यहां लिख दिया हम लोगों ने स्पेशल बराबर तो बताइए साहब क्या करेंगे सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर्मेट ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना आप लोगों ने वन करोड़ इन टू फिफ्टीन परसेंट कम्स टू फिफ्टीन लाख रुपीजीन लाख रुपीस डू यू अग्री right now whatever remains is remaining normal income so income would be 1.50 cr up to 10 lakhs it will be 1 lakh 12,500 1.40 crore

डन सर दोनों एक्सेल शीट को मर्ज कर दो याद होगा तो टोटल दिस विल कम टू फिफ्टी एट लैक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाउ सरचार्ज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट eight seven one eight seven five sixty six lakh eighty four thousand three seventy five HEC sixty nine lakh fifty one thousand seven fifty. Just check it out the whole calculation. यहां पे एक नोट डालना जरूरी नोट बिल्कुल डाल देना अलग कलर के पेन से इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड्स टू करोड़ देन सरचार्ज रेट इज फिफ्टीन परसेंट इज दट डन नोट लिख दीजिए नोट लिखना जरूरी है मालिक आप देख सकते हैं हम एक 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 पॉइंट के ऊपर एग्जांपल ले रहे आई जस्ट वांट यू टू बी मोर एंड मोर यू नो स्किल वर्दी आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल हो आप निकाल सको मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बात बताता हूं देर आर मेनी पुणे बेस्ड कंपनी विच कंडक्ट द टेस्ट बिफोर बिफोर अपॉइंटिंग यू विच कंडक्ट द टेस्ट एंड इन मेनी टेस्ट नाव दर एक्चुअली लेटिंग यू टू कैलकुलेट दब जब आपको वो पेपर देते हैं सोल्व करने के लिए वहां पर तो आपको अगेन एग्जाम के जैसे पेपर सोल्व करना होता है कई बच्चे इंटरव्यू में इसलिए भी क्रैक नहीं कर पाते कंपनीज के बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना तो वो प्रैक्टिस किए हुए होते हैं या तो यू नो कई बार ऐसा होता है कि उनने क्लास के अंदर में प्रॉब्लम सोल्व नहीं किए हुए होते हैं और वो वहां पर मतलब यू नो स्किल होने के बावजूद भी प्रतिभा होने के बावजूद भी वो क्रैक ही नहीं कर पाते और रिटर्न एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते तो आगे एचआर राउंड तक के नहीं जा पाते पार्टनर्स राउंड तक के नहीं जा पाते और स्किल होने के बावजूद भी वो बंदा क्या हो जाता है यू नो अनएम्प्लॉयबल हो जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए इसीलिए आपके पास अभी स्किल होना चाहिए माइंड भी आपको ऐसा लग सकता है कि सर हम स्लो तो नहीं जा रहे हम हर एक के ऊपर क्यों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे इतना दूसरी जगह होता है या नहीं होता है देखिए इस बारे में आप दिमाग मत लगाइए कि दूसरी जगह होता है नहीं होता आपने अपना काम करने का आपको अगर समझ में आ रहा है ना कि भैया मैं एवरेज बच्चों में अच्छे से धीरे धीरे एक 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 पॉइंट समझ के आगे बढ़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे कोई एक आध लेक्चर में नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा कर लेंगे उस चीज को कंपनसेट करने के लिए लेकिन पढ़ेंगे तो हद ही कर देंगे ये बात याद रखेंगे ठीक है मालिक चलिए अब तक हमने कितने पॉइंट पे बात कर ली हम लोगों ने चार पॉइंट के ऊपर बात कर ली आई जस्ट टेल यू एक दो तीन चार इन चार पॉइंट के ऊपर बात कर ली हम लोगों ने ठीक है अब हम बात करते हैं कि अगर एक्सक्लूडिंग जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था यहां पे आप आइए यहां पे लिख दीजिए एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व यहां पे लिख दीजिए फोर्थ पॉइंट के ऊपर लिख दीजिए एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं नाउ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व अंडरस्टैंड योर पी जी बी पी इनकम योर पी जी बी पी इनकम इज लेट से टू करोड़ फिफ्टी लैक्स योर पी जी बी पी इनकम इज टू करोड़ फिफ्टी लैक्स एंड योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन under section 111a is let's say 60 lakhs now your overall income comes to 3 crore 10 lakhs now first of all i know you, now you can calculate the tax now my now my ओनली कमिटमेंट इज नॉट टुवर्ड्स योर टैक्स कैलकुलेशन यहां तक कि आपके मेरे साथ टैक्स कैलकुलेशन बहुत अच्छे हो चुके होंगे मुझे पूरी उम्मीद है मुझे बताइए अब अब का क्या होगा? क्या होगा दोनों के ऊपर 15 -15 हां या ना हां या हां सरचार्ज अब दोनों के ऊपर 15 15 लगाऊं अपने आप से पूछे हमें नहीं लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए बहुत सही जवाब नहीं लगाना चाहिए क्यों नहीं लगाना चाहिए अरे लॉजिकली सोच के देख अब एस पे जेन्युन हार्डशिप है क्या एस एस सी पे जेन्युन हार्डशिप नहीं है क्यों नहीं है अरे सर वो ऑलरेडी हार्ड सरचार्ज के ब्रैकेट में पहुंच गया ये इनकम हो या नहीं हो एक्सक्लूडिंग दिस इनकम समझ में आ रही बात इंक्लूडिंग दिस इनकम नहीं है वो अभी एक्सक्लूड भी कर दिया इस इनकम को तो ये ऑलरेडी हायर सरचार्ज ब्रैकेट के अंदर में आ चुका है एनहांस सरचार्ज ब्रैकेट के अंदर में आ चुका है एनहांस सरचार्ज का ब्रैकेट अगर आ चुका है तो इसके लिए क्या आएगा 25% परसेंट का सरचार्ज आएगा और इसके लिए सरचार्ज 25% परसेंट का आएगा क्या नहीं ना, ना। सर क्यों? सरचार्ज सरचार्ज अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस रखने टू कैपिटल के एंड हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए गेम ओवर समझ में आ रही बात सो so, ऐसे केस में देखिएगा नोट्स पे आइए मैं हूं पेज नंबर 17 पे टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 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 स्पेशल इनकम एक्सक्लूड कर दी अगर स्पेशल इनकम को एक्सीड कर जाता है दो करोड़ से बट एक्सीड नहीं करता पांच करोड़ पे मतलब आपकी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग द स्पेशल इनकम मतलब कौन सी अदर इनकम अदर इनकम आपकी दो करोड़ के ऊपर अगर चले जाती है एक्सक्लूडिंग द स्पेशल इनकम तो तो क्या होता है एक सौ ए एक ए वाले पे हम आएंगे 15 परसेंट के ऊपर yes no? और अदर इनकम के ऊपर आएंगे हम 25 परसेंट के ऊपर एक 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 पॉइंट समझ में आ रहा है मालिक नाउ देर इज नो जेन्यून हार्डशिप सिंस देर इज नो जेन्यून हार्डशिप टू दी देर इज नो पॉइंट इन गिविंग फिफ्टीन परसेंट नाउल्टी फाइव परसेंट नाउ हाउ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड हाउ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड मैं आपको एक नया फॉर्मेट दू मतलब आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से तो प्रिपेयर कर ही सकते हो नो डाउट नो डाउट आप अपने फॉर्मेट के हिसाब से तो प्रिपेयर कर ही सकते हो मैं चाहू तो आप नया फॉर्मेट दे देता हूँ या अपने फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं चलो वो आपको अगर ज्यादा ईजी लग रहा होगा तो अगेन हम दो चीजें बनाएंगे आ जाइए प्रॉब्लम लिखिए प्रॉब्लम नंबर ट्वेल्व नहीं लिखा होगा तो प्लीज प्रॉब्लम लिखिए अब हम क्या करेंगे साहब अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेशल की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए सिक्सटी लाख रुपीस विल बी एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट सो सिक्सटी लाख इनटू फिफ्टीन परसेंट विल कम टू नाइन लाख रुपीस डन प्रभु यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइन लाख रुपीस अब आ जाते हैं किसके ऊपर मालिक नॉर्मल के ऊपर नॉर्मल इनकम आपकी दो करोड़ पचास लाख एट इज टू करोड़ फिफ्टी लाख योर टोटल इनकम टू पॉइंट फिफ्टी करोड़ इनकम अप टू टेन लैक्स वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड The balance 2.40 crore tax rate upon which is 30 percent. Now, here 2 crore 40 lakhs into 30 percent will come to 72 lakhs, and here the tax comes to 73 lakh. ट फाइव हंड्रेड ये नो नो वॉट यू कैन डू इज अब आप यहां पे क्या कर सकते हैं जरा ध्यान से सुनिए अब इन दोनों को एक्सेल शीट मर्ज मत कर देना यहीं पे क्योंकि यहां पे दोनों के लिए सरचार्ज रेट अलग है तो यहीं पे अपने इंडिविजुअल सरचार्ज निकाल लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हियर द सरचार्ज रेट वुड बी 15 परसेंट so, सो 9 लाख ,00 का 15 परसेंट विल कम टू वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड Here tax would come to 10 lakh thirty five thousand. Right? Since you have, if you have a highlighter lipstick, yes, yap lipstick highlighter and here you will have a surcharge at the rate of twenty. Five per cent, isn't it? Seventy-three lakh twelve thousand five hundred into twenty-five per cent. This comes to ninety-one lakh forty thousand six twenty-five. नाउ अंडरस्टैंड अब आप इस एक्सेल शीट को मर्ज कर सकते हैं क्यों क्योंकि फोर परसेंट तो अब दोनों के ऊपर लगने वाला है जैसे आपने सरचार्ज सहित निकाल दिया यहां पे आप लिख लीजिए टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज यहां पे बस वर्ड चेंज करना है आपको टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज सो नाइनटी वन लैख फोर्टी थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी फाइव एड टेन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड दिस विल ब्रिंग यू One crore one lakh seventy-five thousand six twenty-five. Now here you can add HEC at the rate of four percent. Total tax would come to one crore five lakh eighty two thousand six fifty. Just check it out. Don't forget to write the note since other income. Excluding special income exceed two crore, then enhanced surcharge is applicable. ऑन अदर इनकम और नॉर्मल इनकम ये नोट डालना आपने बिल्कुल भूलना नहीं है ये नोट बड़े काम की चीज है बाबू ये नोट आपने मैंडेटरीली पुटअप करना ही है डन सर आई एम मजा आप देख सकते हैं हम लोग सब्सटैशियली सरचार्ज के ऊपर वर्क कर रहे हैं वाई बिकॉज दिस विल बी द न्यू एरिया ऑफ फोकस ऑफ द एग्जामिनर वो आपको किसी भी तरीके से क्या करेगा इस इस चीज में घुमाने की कोशिश करेगा 2019 के अंदर भी इसके ऊपर आई एम श्योर क्वेश्चन रखेंगे एग्जामिनेशन के, के अंदर में और 2020 भी आपका नॉलेज टेस्ट होगा आई डोंट नो आपको ये फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर में दे या ना दे बट आपको एटलीस्ट दो टैक्स कैलकुलेशन करने बोल दे और आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ घुमा देंगे आई एम ब्रिटिश और अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और इसके लास्ट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं वट वॉज द लास्ट वो फाइव करोड़ वाला सो लेट से इफ द इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग और एक्सीड करोड़ सर तो ये जो आपने टू करोड़ का कॉन्सेप्ट बताया क्या ये फाइव करोड़ वाले के लिए भी एप्लीकेबल होगा ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि नीचे लिखा है अदर देन कवर्ड इन फोर एंड फाइव तो वो फाइव करोड़ वाले के लिए भी एप्लीकेबल होगा लेट से आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के पांच करोड़ के ऊपर गई तो फिर सरचार्ज रेट आपका क्या रहेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट के अंदर ट्वेंटी फाइव कंटिन्यू किया जाएगा यस yes देन no? आपका कंटिन्यू किया जाएगा प्लस अदर स्पेशल इनकम के लिए क्या किया जाएगा फिफ्टीन परसेंट कंटिन्यू किया जाएगा तो इतना वो लोग ने रखा है राइट right? इतना बेनिफिट उन लोगों ने रखा है सो आइए अदर इनकम का ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर लिख दीजिए एग्जाम्पल नंबर थर्टीन सो यू कैन सी हमने थर्टीन एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रखे विदाउट रेफरिंग टू एनी बुक एक रैंडम फिगर्स हम लोगों ने उड़ाई लेट से पी जी बी पी सेवन करोड़ रुपीज एंड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सिक्सटी वन लाख रुपीज नाउ आई गिव यू द चानस कैलकुलेट टैक्स आपके पास पूरे पाँच मिनट है पाँच मिनट तक टैक्स कंप्यूट करें पूरी ईमानदारी से शिद्दत से सॉल्व कर लो मेरे हिसाब से हो चुका होगा तो मैं भी आपके साथ आ रहा हूं सॉल्व करने के लिए आ जाओ प्रभु सॉल्व करेंगे अपन साथ में मिल बांट के बोलिए मालिक कैसे कैलकुलेट करेंगे बड़ा सिंपल है साहब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्सटी लैक्स इंटू टेन परसेंट दिस विल बिकेम सिक्स लैख रुपीज इजेंट इट हियर यू विल हैव नॉर्मल इनकम नॉर्मल इनकम इज सेल्फ एक्सीड फाइव करोड़ रुपीज सो अप टू टेन लैख यू नो 1 lakh 12,500 balance 6.90 crore on which the tax rate is 30% on which the tax rate is 30% 6 crore 90 lakhs into 30% somewhere come between 2 crore 7 lakhs Your total tax comes to 2 crore, 8 lakh 12,500. Here you have 6 lakh. Now, when it comes to surcharge, it will have 15%. So, 6 lakh into 15%. This will come to 90,000 rupees. Overall, here 6 lakh 90,000 rupees. Here, you will have a surcharge at the rate of 37 percent. This is a whooping tax, me called it as a draconian tax. 77 lakh rupees of surcharge, man. 2 crore 85 lakh 13,125. You can see out of 7 crore and 61 lakh. Tentatively, we are paying approximately three crore rupees. Now total including surcharge two crore ninety-two lakh three thousand one twenty-five. Tentatively, if a person earns seven crore. कैन सी अराउंड थ्री करोड़ ही इज पेइंग टैक्स अमीरों से लूंगा गरीबों को दूंगा वाली स्कीम मतलब देश में अमीर होना भी अब एक जुर्म इलेवन लैक्स ऑफ सेस फाइनली योर टैक्स कम्स टू थ्री करोड़ थ्री लैख सेवेंटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी मतलब आदमी ने जीवन भर मेहनत करके करोड़पति बनना और करोड़पति बनने के बाद उसने अपना ऑलमोस्ट फोर्टी टू पॉइंट सेवन फोर फोर परसेंट रफली किसको दे देना सरकार को दे देना वाई बिकॉज यू हैव अर्न करोड़ रुपीज मतलब आप सोचिए एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सही भी है पर एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत है मैं आपको बताता हूं इसके रॉन्ग इफेक्ट क्या होंगे सरचार्ज के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए पचास एक दो पांच मिला के अगर दो या पांच के ऊपर हो रहा होगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सरचार्ज यहां पे खत्म हो गया अब मैं आपको बताता हूं कि इस सरचार्ज को बढ़ाने के इल इफेक्ट क्या है गरीबों के हिसाब से देखा जाए या देश हित में देखा जाए तो यह बहुत अच्छी चीज थी बहुत अच्छी बिलीव मी बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि मैक्सिमम पैसा सरकार को मिला और सरकार इससे अलग अलग स्कीम बना करके दूसरों को दे रही है बराबर है, बहुत अच्छा राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं कि इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों हुआ यस yes. मैं आपको एक और एंगल दिखाता हूं इसी चीज को देखने का कि इकोनॉमिक स्लोडाउन क्यों हुआ एक बात बताइए और एकदम प्रैक्टिकल रियलिटी पे बात करते हैं सर नए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए पैसा किसके पास है अमीर के पास है ठीक है अमीरों के पास है आप अमीर को बोलोगे बेटा ठीक है उसका थर्टी परसेंट टैक्स प्लस थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज प्लस फोर परसेंट को हम कहते हैं हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स ये वो रेट ऑफ टैक्स है जो टेक्निकली एक पेनल्टी के तौर पर लगाया जाता है एओपी जो जिनके मेंबर्स की इनकम कुछ ज्यादा है इसे अलग शब्दों में हम कहते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट यह हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है जहां पे हाईएस्ट हाईएस्ट रेट रेट ऑफ ऑफ टैक्स सरचार्ज और सेस को ऐड किया जाता है आइए मैं आपको बताता हूं लिखा भी है याद होगा तो मैंने आपको दो स्पेशल रेट नहीं बताए हुए हैं नीचे आइए स्पेशल रेट देखिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट थर्टी प्लस थर्टी प्लस फोर मैक्सिमम मार्जिनल रेट कहा जाता है।, है आप जैसे लोग जो अमीर लोग इनके पास पैसा है आप लोगों को अगर हम बोले कि इंडिया में तुम लोग सौ रुपए इन्वेस्ट करो तुमको टैक्स कितना देना है 42.744 परसेंट टैक्स देना है उसके पास ले दे के बच जाता है फिफ्टी ये उसके पास बच जाता है इसके अंदर में से उसको you know, म्युनिसिपल uh, टैक्स अलग से देना है एस uh, टी अगर वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहा होगा तो एस उसको अलग से पे करना है इसके अलावा उसको सैलरीज देना है रॉ मटेरियल बढ़ रहा है उसके ओन प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है तो दिस मेक्स इंडिया अ वेरी वेरी बैड प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट और इसी के कारण हुआ ये कि मैक्सिमम लोगों ने अपना पैसा नए बिजनेस के अंदर में लगाना बंद कर दिया ध्यान से सुनिए मैं आपको किसी और चीज के साथ लिंक करने जा रहा हूं ठीक है इसी कारण था कि एक इकोनॉमी स्लो डाउन आई स्लो डाउन इसलिए आया क्योंकि जब ये एनहांस सरचार्ज फाइनेंस एक्ट 2019 ने इंपोज किया उसी टाइम पे बड़े आदमियों ने बोला यार इतना दिमाग लगाना साला 100 परसेंट रिस्क मेरा 100 परसेंट कैपिटल मेरा अगर कभी पैसा डूब जाता है तो 100 परसेंट लॉस मेरा है गवर्नमेंट तो लॉस लेने आएगी नहीं पर अगर प्रॉफिट हो गया तो अपना थर्टी सेवन तो लेने आ जाएगी पर यह मुझे देने कुछ नहीं आएगी तो ऐसे केसेस में आदमी ने बोला इससे अच्छा तो मैं पैसा मेरे पास रखू ये पैसा मैं बैंक में डाल दू एफडी में डाल दू और दस का शानदार रिटर्न लू समझ में आ रही है विदाउट एनी रिस्क विदाउट एनी रिस्क मैं 10 परसेंट का इसके ऊपर अर्निंग करूं मैं क्यों बिजनेस में कैपिटल लगाऊ रिस्क लगाऊ टेंशन लगाऊ अपना टाइम लगाऊ इतना ही पैसा मैं उठा करके अगर, अगर मेरे बैंक में डाल देता हूं तो मैं ज्यादा सेफ हूं इंटरेस्ट के मामले में ये मैं ज्यादा सिर्फ बिजनेस में लगा करके मैं क्यों दिमाग लगाऊ और इसीलिए बहुत सारे लोगों, मैं इसका आपको एक दूसरा एंगल दिखाता हूं और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया इंडिया में इन्वेस्ट करना भी कम कर दिया और उनने बाहर की कंट्रीज में जाकर के क्या करना चालू कर दिया इनकम अर्न करनी चालू कर दी वहां नए बिजनेस प्रपोजल्स लेकर के आ गए ये भी एक रीजन था इकोनॉमिक स्लो डाउन के लिए हालांकि कई रीजन्स में से ये भी एक रीजन था और टैक्स कितना भी बोलो तो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सर किसी भी बिजनेस के अंदर में आप 42 परसेंट का अगर मान लीजिए कोई प्रोफेशनल है राइट इमेजिन सलमान खान आउट ऑफ हंड्रेड करोड़ 42 करोड़ इज टैक्स कोई भी आप एक बात समझिए कोई भी एक्टर अमिताभ बच्चन जी लीजिए सलमान जी लीजिए यू टेक एनी एक्टर राइट अगर आप हंड्रेड करोड़ कमा रहे हैं जिसमें आपने साल भर मेहनत की है अपनी बॉडी के ऊपर वर्क किया है अपना स्टार्डम मेंटेन किया है अपना लेवल मेंटेन किया है और 42 करोड़ रुपीज अगर टैक्स आता है तो इट्स अ टैक्स, इट्स अ ड्रेकोनियन टैक्स एक्चुअली एक एंगल से देखा जाए तो हां पर अगर मैं देश हित की बात करूं तो यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे कई नई स्कीम्स चालू हुई राइट right? आधार को बहुत अच्छे से लिंक किया गया कई चीजों को कॉर्पोरेटाइज किया गया इसके बाद बाद इसके बाद अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट प्रोसीजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं आप लोग अगर अपने ऑफिस में होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनकम टैक्स की वेबसाइट इतना यूज लोड आने के बावजूद भी क्रैश नहीं होती बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि अब वो क्रैश होती है फिर ई असेसमेंट्स के लिए सेंटर्स बनाए गए ई असेसमेंट फैसिलिटीज लेकर के आए तुरंत आज रिफंड इशू होता है आप सोचिए मैं आपको बताता हूं आप लोगों में से तो देखा भी नहीं होगा बट आप अपने अगर बॉस से पूछेंगे तो पहले जब क्लाइंट का रिफंड आता था तो उसके लिए भी कई बार डिपार्टमेंट को पैसे खिलाने पड़ते थे आप अपने बॉस से पूछिएगा वो आपको बताएंगे कि उसके लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते थे कि सर आपको क्या आना है रिफंड लेना है हालांकि इस पूरी मकैनिज्म को सुधारा गया फेसलेस असेसमेंट लाया गया राइट right? आपके आधार की लिंकिंग्स को जोड़ा गया पैन आधार को कोरिलेट किया गया इन सब चीजों को करने के लिए यूथ सॉफ्टवेयर्स लगते हैं पैसा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं देश हित की बात करूं वैसे भी आप समझिए अमीर लोग हैं उनको उनको फर्क नहीं पड़ने वाला वो टैक्स दे भी दे तो बट इससे बहुत सारी मशीनरी सुधर भी रही है तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये सही है राइट right? अब स्पेशल रेट अगर आप देखेंगे पेज नंबर 1.17 पे तो सिर्फ एक अनएक्सप्लेन्ड कैश एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बाकी है अदरवाइज सारे स्पेशल रेट देख लिए मैक्सिमम मार्जिनल रेट का मतलब क्या है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स दैट इज 30 परसेंट प्लस हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज दैट इज 37 परसेंट प्लस फोर सेस ये आपका क्या बनता है टोटल चीजें बनती है आइए सर वापस से चार्ट पे आइए सर हम कहाँ हैं टैक्स कैलकुलेशन में सर क्या अब तक हम वही हैं हाँ याद होगा तो अब तक हमने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है ये अभी ये बाकी है ये बाकी है थर्ड पार्ट बाकी है कितने नोट होने थे छह नोट होने थे कितने हुए पांच पहला नोट था रिबेट सेकेंड नोट वॉज ए सी सी थर्ड वॉज राउंडिंग ऑफ फोर्थ वॉज स्पेशल रेट फिफ्थ वॉज सरचार्ज और हमने पांचों को बहुत अच्छे से देखा हर एक लाइन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसके ऊपर आप इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करेंगे इस इस मेथड को इस तरह स्लो अच्छे से एंड स्टेडीली जाने को आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे आगे बढ़ते हैं सिक्स नोट के ऊपर पर सिक्स नोट पढ़ने से पहले आपको समझाने से पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल देना चाहता हूं और फिर आपको मैं समझाना चाहता हूं राइट मैं इसका प्रैक्टिकल देना चाहता हूं सिक्स नोट लिखने से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल देना चाहता हूं और फिर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं सो so, मैं आ जाता हूं एग्जाम्पल नंबर थर्टीन आई गेस यहां लिखिएगा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पीजीबीपी लेट्स से 2 lakh rupees. Long term capital gain under section 112, let us say 1 lakh rupees. Calculate the tax. For the timing, for the timing, assume there is no surcharge, uh, sorry, rebate for the timing or let us लेटे अंडरस्टैंड फॉर द टाइमिंग देर इज नो सरचार्ज यह सरचार्ज वाला पॉइंट ही हटा देता हूं ये लो फोर लैख ,00 रुपीज बराबर कैलकुलेट टैक्स आपको पूरे दो मिनट का समय सर क्या डिफिकल्टी आ रही है दोस्त कुछ डिफिकल्टी आ रही है इसको कंप्यूट करने में क्या डिफिकल्टी आ रही है साहब क्या हुआ बेटा सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट कुछ समझ में आया क्या गलतियां कर रहे हो अगर मैं ये प्रॉब्लम नहीं देता तो कभी तुम इसके ऊपर थॉट ही नहीं देते और जैसे कि मैंने कहा था बेटा तुमको कुछ सवाल है जो तुमको नहीं समझेंगे और मैं समझाऊंगा तुमको क्या हुआ बेटा सी ए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट एफसीए लगाने का है तेरे को बेटा पहले अपनी गेम ऊंची कर फिर अपनी आवाज ऊंची करना पहले नॉलेज ले हंड्रेड परसेंट yes. अब यहां पे क्या है जरा समझिएगा प्रॉब्लम क्या हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर में कि आप यहां पे देख रहे होंगे स्पेशल रेट पे आपने निकाल लिया होगा फोर लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट दैट इज एटी थाउजेंड रुपीज बराबर है और आपका पीजीबीपी के ऊपर टैक्स आया होगा आपका जीरो हंड्रेड परसेंट कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया ंड्रेड परसेंट कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया क्योंकि तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अप्लाई करना भूल गए माइंड भी आपने इंटर में पढ़ा होगा पर वो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आप यहां करना भूल गए सर क्या है वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जरा याद दि रही है मैं आपको बताता हूं मैं आपको एक यू नो एक्ट करके बताता हूं अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो एटी थाउजेंड रुपीज आ रहा है बराबर है एटी थाउजेंड रुपीज आ रहा है अब एस क्या बोलेगा डिपार्टमेंट को जरा समझिएगा डिपार्टमेंट बोलेगा चलिए लाइए भाई चलो फोर लाख इंटू ट्वेंटी परसेंट एट्टी थाउजेंड रुपीज इज द टैक्स एटी थाउजेंड पर टैक्स निकालो चलो लो ला लो जल्दी लाओ लाओ जल्दी, जल्दी निकालो एस क्या बोलेगा अरे महाराज रुकिए सरकार रुकी है, एक मिनट आप देख सकते हैं सरकार ने मुझे बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितने का दिया है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दिया है नहीं दिया है तू मेरे को बता दिया है नहीं दिया है हां सर हां सर आपको दिया है लेकिन आ, अभी आपका इनकम टू लाख रुपीज है अभी फोर लाख स्पेशल इनकम है स्पेशल इनकम पे ट्वेंटी परसेंट निकालो अस बोलेगा वेट सर वेट आप मुझे कह रहे हैं कि मैं फोर लाख रुपीज के ऊपर ट्वेंटी परसेंट दे दू मुझे कोई प्रॉब्लम आई एम अ टैक्स मैन मैं एक टैक्स मैन हूं आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं करने को तैयार हूं लेकिन सरकार ने मुझे बोले थे कि आपको टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक का बेसिक एग्जम्शन लिमिट मिलेगा यू विल गेट अ बेसिक एक्जम्शन लिमिट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हाउ एवर अगर आप देखे मैंने अभी तक मेरा बेसिक एग्जम्पन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं किया है मैंने अभी तक मेरा बेसिक एग्जाम्शन लिमिट एग्जॉस्ट नहीं किया है सो so, मैं आपसे कहता हूं मैं टैक्स देने को तैयार हूं आई एम लॉ अवॉइडिंग सिटीजन मैं बहुत अच्छे से टैक्स देने को तैयार हूं पर मैं चाहता हूं कि आप क्या करें मुझे पचास हजार रुपए यहां एडजस्ट कर दे बराबर ये बन जाएगा 2.5 लाख ये पूरा का पूरा बेसिक एग्जामिशन लिमिट में खत्म हो जाएगा और इसमें से पचास अगर आप माइनस कर दे बचते हैं थर्टी थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज थ्री पॉइंट फाइव लैख पे ट्वेंटी परसेंट मैं देने को तैयार हूं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो तो मैं आपको सेवेंटी थाउजेंड रुपीज दे दूंगा एट्टी थाउजेंड नहीं दूंगा Assessing officer. अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं अब तक हम यही करते आ रहे थे लेकिन आप नहीं समझ रहे मुझे बेसिक एग्जम्शन लिमिट दो लाख पचास हजार रुपए तक का हक दिया है सरकार ने तो मैं टैक्स पे करने से मना नहीं कर रहा हूं आम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं जरूर टैक्स पे करना चाहूंगा पर आप जेन्य सोचिए सर मुझे बेसिक एग्जामेशन लिमिट नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए मेरे पास स्पेशल इनकम है उसमें से जितना अमाउंट आपको लग रहा है आप बेसिक लिमिट मुझे पूरा दे दीजिए काम खत्म बचे हुए पे मैं टैक्स दे देता हूं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको होनी चाहिए मैं टैक्स तो दे ही रहा हूं ना सरकार को पर मुझे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलना तो मिलना ही चाहिए आप अगर टैक्स पेयर होते तो क्या करते सर लग रहा है एस सही बोल रहा है या लग रहा है आपको ए सही बोल रहा है क्या लग रहा है कौन सही बोल रहा है आपको क्या लग रहा है हां दिल आपका यही चाहेगा कि अस एस सही बोल रहा है एओ सही नहीं बोल रहा है क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि अगर मैंने बेसिक एग्जामेशन लिमिट खत्म नहीं की होगी तो जो मेरी स्पेशल इनकम होगी वो स्पेशल इनकम पहले इनके साथ एडजस्ट की जाएगी और बैलेंस इनकम पे स्पेशल रेट लगेगा ऐसा कोई प्रोविजन रखते हैं यस ऐसा प्रोविजन है सर है यस ऐसा प्रोविजन है यू विल रीड इट विथ मी इन द बेर एक्ट ऑफ हंड्रेड एंड इलेवन ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए एंड हंड्रेड एंड ट्वेल्व तीनों के केस में नॉट अदर स्पेशल इनकम ओनली थ्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल्व शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए कैजुअल इनकम के साथ ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकता सर क्यों नहीं हो सकता पूछो ना क्यों हां वो इसलिए कि जब आप स्पेशल इनकम देखते हैं लॉटरी हॉर्स कैजुअल इनकम वाला जब आप कैजुअल इनकम देखते हैं तो पूरे इनकम टैक्स में वहाँ पे वर्ड लिखा है विनिंग तो और विनिंग का मतलब जितना आपने कमाया उस पर टैक्स देना है तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता बराबर है मैक्सिमम मार्जिनल रेट का यहां पे कोई सवाल ही नहीं उठता हेंस एडजस्टमेंट वाली सिर्फ तीन चीजें हैं लॉन्ग टर्म ड्रेड एंड ट्वेल्व ए हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड शॉर्ट टर्म अंडर हंड्रेड एंड इलेवन ए अगर आपके पास ये इनकम है और आपकी बेसिक एग्जाम लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुई होगी तो पहले ये एग्जॉस्ट की जाएगी एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट तो सर अगर इस केस में अगर इस केस में मान लो आपका आ जाता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेनलेट से फिफ्टी थाउजेंड तो क्या करते हैं हम पूरा टू फिफ्टी यूज कर लेते अगेंस्ट द बेसिक एग्जामेशन लिमिट यस हम पूरा का पूरा यूज कर लेते फिफ्टी थाउजेंड अगेंस्ट द बेसिक एग्जामेशन लिमिट और उस केस में टैक्स जीरो हो जाता मोटे मोटे तौर पे देखते हैं यहां पे टैक्स आता है या नहीं आता मोटे मोटे तौर पे देखते हैं क्या यहां पे कोई टैक्स आता है या नहीं आता चलिए सो so, क्या करेंगे आप हियर नॉर्मल इनकम इज टू लैख प्लस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यूज फॉर यूज फॉर बेसिक एक्सम्शन लिमिट Here two 50, less basic exemption limit two fifty thousand nil long term capital gain. 4 lakh minus used for basic exemption limit 50,000 balance 3 lakh 50,000 tax rate 20% tax liability 70,000 नाउ टोटल टैक्स 70000 बताइए क्या रिबेट मिलेगा नहीं मिल सकता सर सर क्यों नहीं मिल सकता आपकी इनकम कितनी है साहब छह लाख रुपए है डायरेक्टली क्या ऐड करेंगे एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट टू थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड गेम ओवर नोट लिखना मत भूलिएगा नोट लिखना मत भूलिएगा सिंस एस Cannot absorb basic exemption limit special income were used and balance income is charged. एट स्पेशल रेट लिख लीजिएगा साहब बैलेंस इनकम इस चार्ज एट स्पेशल रेट डन आइए सर नोट्स में लिखा है लिखा है तो कहां लिखा है बता देते हैं साहब इफ द असेसी इज रेसिडेंट अगर एस नॉन रेसिडेंट है तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकती प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है अगर एस नॉन रेसिडेंट है तो ये एडजस्टमेंट नहीं हो सकती ये एडजस्टमेंट भी सिर्फ और सिर्फ फक्त यानी फक्त किसके लिए अवेलेबल है रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है इफ द एस इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए ये स्पेशल एडजस्टमेंट है राइट इफ द एस इज रेसिडेंट एंड हैज स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म अंडर 112 लॉन्ग टर्म अंडर 112 ए और शॉर्ट टर्म अंडर 111 ए

तो कैजुअल इनकम से ये एडजस्ट नहीं हो सकता बाकी अगर आप देखें तो ये एडजस्ट हो सकता है हालांकि ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है सर ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के लिए है रेसिडेंट ही इसे अप्लाई कर सकता है अदर कोई भी एसएससी इसे अप्लाई कर सकता नहीं

तो अगर आप देखें तो आपको एक पूरा चार्ट दिखेगा इंडिविजुअल उसके नीचे छह नोट और हर तरह के का टैक्स एडजस्टमेंट जितने भी हो सकते थे वो सारे टैक्स एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने किए बचे हुए कुछ और टैक्स एडजस्टमेंट्स अगर आपके दिमाग में कुछ आ भी रहे होंगे तो बिलीव मी आपको मैंने क्वेश्चनर जो बना करके दे रहा हूं वो बहुत ज्यादा अच्छे से बना करके दे रहा हूं एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसके अंदर में आपके कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे सो द क्वेश्चन विल कवर ऑल दो क्वेश्चन च यू माइट हैव थॉट और इट मेक अम इन टू योर माइंड सो जस्ट वेट फॉर द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ जाएगा हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये जो लेक्चर है और ये जो बुक्स है ये आपको हो सकता है पूरी एक साथ ना मिले आपको किसके अंदर में मिले इन uh, ट्रांचेस मिले आपको एक से ज्यादा शिपमेंट के अंदर में मिले क्योंकि ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहे हैं साथ साथ में एट द सेम टाइम कोविड नाइनटीन का सिचुएशन है पुणे एक हॉटस्पॉट है ही वैसे भी महाराष्ट्र के अंदर का पुणे और मुंबई एक हॉटस्पॉट है ही तो एज ऑफ नाउ भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड और... एज ऑफ नाउ 15 डेज के लिए क्या है कुरियर ही बंद है तो मतलब अगर हमको कुछ चालू भी करवाना है तो हम इसको चालू इमिडिएटली नहीं करवा पाएंगे सिर्फ एक पोस्टल सर्विस चालू है वो भी लिमिटेड एक्सेस दे रहा है तो अकॉर्डिंगली ऐसा हो सकता है तो क्वेश्चन एयर के लिए वेट कीजिए बट आपको अगर और प्रैक्टिस भी करनी है तो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं हम उसकी तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे साथ साथ में क्वेश्चन एर के अंदर में हम लोगों ने और क्वेश्चन भी डाल करके दिए हैं तो उसमें आपको बहुत मजा आएगा तो यहां तक के आपको पूरे टैक्स कैलकुलेशन में मजा आया होगा एक बात याद

अप टू थ्री लैख नील शॉर्टकट में कुछ नहीं थ्री लैख टू फाइव लैख फाइव परसेंट शॉर्टकट इज टेन थाउजेंड फाइव लैख टू टेन लैख ट्वेंटी परसेंट वन लैख टेन थाउजेंड एंड अबव टेन लैख इट विल बी थर्टी परसेंट शॉर्टकट में हम कुछ नहीं डालेंगे मतलब इफ यू कैन सी अ पर्सन फ्रॉम सिक्सटी डॉट सिक्सटी थ्री लाख रुपीज इज अवेलेबल सो सिक्सटी अगर है एस एस सीनियर सिटीजन हो जाता है बेसिक एग्जम्पन लिमिट को एनहांस कर दिया गया फ्रॉम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू थ्री लैख रुपीज कर दिया गया है इसी के कारण जो एक इफेक्ट आपको दिखेगा कि इन एस का सीनियर सिटीजन का जो टैक्स है ये लिडल थोड़ा सा कम आएगा बाय टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज टेक्निकली और वो भी वो गैप है जो फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन परसेंट के कारण आ रहा है फिफ्टी थाउजेंड इंटू फाइव परसेंट के कारण आ रहा है इज दट डन नीचे की सारी नोट कॉमन मतलब सरचार्ज वाली नोट कॉमन सेस वाली नोट कॉमन रिबेट वाली नोट कॉमन सारा जितना ए टू जेड फ्रॉम वन टू सिक्स जितने भी हम लोगों ने करें उन सभी के लिए कॉमन सिर्फ लिमिट एक्सीड हो रही है तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है सिर्फ लिमिट के ऊपर वर्क करना है बाकी किसी चीज के ऊपर वर्क करने की जरूरत नहीं है एट द सेम टाइम इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट एब अप टू फाइव लैक नील 5 lakh to 10 lakh directly 20 percent, 1 lakh and above 10 lakh 30 percent dash. So, this is we called it as super senior citizen. We called it as super senior citizen.

कि मैंने आपको किस किस तरीके से एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट एक लेवल अप लेके गया एक लेवल अप लेके गया पहले आपको सिर्फ टैक्स सिखाया फिर टैक्स के साथ साथ रिबेट सेस सिखाया फिर सरचार्ज स्पेशल रेट स्पेशल एडजस्टमेंट सारी चीजों के बाद अब तुम रेडी थे पूरा का पूरा टैक्स कंप्यूट करने के लिए तब तुमको यह दो बताया इस केस में अब तुम्हारे को सिर्फ क्या कर रखना है बेसिक uh, लिमिट याद रखने की जरूरत है बाकी कैलकुलेशन पूरा का पूरा जैसा होता है वैसा ही होगा सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन के अमाउंट के अंदर में फर्क आने वाला है बाकी कहीं पर भी कोई फर्क आने वाला नहीं है इज दैट डन यहां पे आइए इसको प्रूफ रीड भी कर लेते हैं बेरैक्ट से हमने ये देखा दूसरा सीनियर सिटीजन एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट सिक्सटी इन और मोर यानी डॉट सिक्सटी पे थ्री लाख का बेनिफिट थ्री लैख रुपीज का बेनिफिट मिलेगा बट नॉट मोर देन एट्टी ईयर थ्री लैख टू फाइव लैख सुपर सीनियर सिटीजन अ इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट एट्टी और मोर अप टू फाइव लैख फाइव लैख टू टेन लैख एंड अब टेन लैख दिस आर गिवन ऑन पेज नंबर वन पॉइंट फोर्टीन सो यू कैन सी अराउंड फोर्टीन पेजेस तक के हम लोग पहुंच चुके हैं हर एक पॉइंट को समझते हुए पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स आपको एक बहुत अच्छा फील दे रही होगी क्योंकि उस हिसाब इस, से डिजाइन किया गया है और बहुत मेहनत लगी है नोट्स के ऊपर भी मालिक डन सर ओके मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लीजिए ब्रेक के बाद हम लोग आगे की टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे इंडिविजुअल एच यू एफ इंडिविजुअल uh, के टैक्स कैलकुलेशन हो गए अब हम फर्म एओपी सॉरी फर्म कंपनी और अदर टैक्स रेट्स के ऊपर जाएंगे गेटिंग इट सो सी यू आफ्टर द ब्रेक वेलकम आफ्टर द ब्रेक ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है और अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे आपने देखा होगा ब्रेक से पहले हम लोगों ने क्या कर लिया पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया आपका इंडिविजुअल का टैक्सेशन सो अगर आप लोग देखेंगे हम लोगों ने कम्प्लीट चार्ट बनाया इंडिविजुअल बिलो 16 नॉन रेसिडेंट इन ऑफ एज एच एओपीओ एजेपी देन वी हैव डन फॉर इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट अबव 60 एंड अप टू 80 रुपीस देन वी हैव डन फॉर इंडिविजुअल अबव

मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर में जिस ईयर में मैं इनकम कमा रहा हूं उस टाइम पे मैं सीनियर सिटीजन नहीं था और असेसमेंट ईयर के वेरी फर्स्ट डे फर्स्ट अप्रैल के दिन ही मैं क्या हो जा रहा हूं मैं सीनियर सिटीजन हो रहा हूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे मुझे लोअर बेसिक एग्जामेशन लिमिट मिलना चाहिए या हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट मिलना चाहिए इसके ऊपर मंथन हुआ अब अगर एस के एंगल से देखे तो सिर्फ एक दिन दैट इज फर्स्ट अप्रिल के दिन ही वो क्या हो रहा है सीनियर सिटीजन बन रहा है तो असेसी का कंटेंशन बहुत सिंपल सा ये था कि सर मैं अगर देखा जाए तो 12 बजे डॉट बारह बजे बर्थडे लगता है और उस मिनट के लिए मैं असेसी प्रीवियस ईयर भी हूं मैं, मैं सीनियर सिटीजन भी बन जाता हूं तो ऐसे केसेस में वाई डोंट यू गिव मी थ्री लाख रुपीज एज बेनिफिट इंस्टेड ऑफ टू लाख ,00 फिफ्टी थाउजेंड एज बेनिफिट इस बात को देने से मना कर दिया गया तो असेसी इस मैटर को लेकर के चले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस था प्रभु दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स केस के अंदर सुप्री सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया द मूमेंट आप जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो द बर्थडे स्टार्ट्स एट ट्वेल्व ओ क्लॉक जनरली वी कट द केक द ट्वेल्व ओ क्लॉक इट सेल्फ ये सो जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे यू शुड नॉट यू नो यू शुड नॉट डिप्राइव दी ऑफ द बेनिफिट ऑफ हायर बेसिक एक्साम लिमिट एंड सुप्रीम कोर्ट इन प्रभु दयाल हेल्ड दैट दैट अ ऑन फर्स्ट एप्रिल द जजमेंट ओनली कम फॉर फर्स्ट अप्रिल सेकेंड अप्रिल के दिन अगर होगा तो आपके लिए बेनिफिट अवेलेबल नहीं है सो दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनलीफ दी बिकेम सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन ऑन द फर्स्ट एप्रिल ऑफ दर सेकेंड अप्रिल को आपका बर्थडे आता होगा तो नहीं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा होगा फर्स्ट अप्रिल सभी लोग इसको चढ़ाते भी होंगे अप्रिल फुल अप्रिल फुल अब यह उनको चिड़ा पाएगा कि हाँ भैया मेरे पास हायर बेसिक एक्सामेशन लिमिट का बेनिफिट अवेलेबल है yes or no?

फाइव लाख रूपीज का बेनिफिट मिलेगा इंस्टेड ऑफ थ्री लाख रुपीज इस बात को हम लोगों ने भी कंसिडर किया जब सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट आया सीबीडीटी ने अपने सारे असेसिंग ऑफिसर्स को एक सर्कुलर यू नो सर्कुलेट कर दिया ये ऑर्डर और कह दिया कि अगर एसेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बन रहे होंगे देन दे हैव टू बी अवॉइडेड विथ हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट रिक्वायर्ड योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन बिकॉज आपका सर्कुलर बहुत क्लियरली आ चुका है सो so, क्लैरिफिकेशन अच्छा मैं आपको ये भी बता दू आईसीए ने इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी लिया है तो अब इसके चांसेस कम लगते हैं कि इसके ऊपर वापस से रिपीट क्वेश्चन आएगा बिकॉज बहुत ही माइनर सा पॉइंट है और ये असेसमेंट के दौरान ही बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा साथ ही साथ में इन, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके अंदर में भी अप्रोप्रिएट चेंजेस कर दिए गए हैं सो दैटी का अगर फर्स्ट अप्रैल होगा तो उनको अकॉर्डिंगली हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट मिल जाएगा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा काम का चीज मैं आपको नहीं कहूंगा बट हां अगर है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कवर करने की वो हम जरूर पूरी कर रहे हैं पेज नंबर फोर्टीन के ऊपर आइएगा एवरीबॉडी रीड द सर्कुलर अलोंग विथ मी क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द अटेनमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एज ऑफ 60 और 80 प्रिस्क्राइब एज ऑफ 60 और 80 ये आप लोग को क्या किया गया है प्रोवाइड किया गया है कितना दिया है मैं देख लेता हूं सो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ द एज ऑफ 60 और 80 ऑन थर्टी मार्च इट तो अगर आप थर्टी मार्च को ही क्या कर रहे हैं ये अटेंड कर ले रहे हैं तो किस तरह से बेनिफिट दिया जाएगा इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन हुज डेट ऑफ बर्थ हुज हुज डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ फॉल ऑन हु फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हायर एग्जम्पन लिमिट हैज बीन प्रिस्क्राइब higher exemption limit has been prescribed under the past finance act for resident senior citizen taxpayer who have attained the age of 60 year. Although specific provision does not exist in this regard under the act, the honorable supreme court has had an occasion to consider the similar issue in case of Prabhu Dayal sesma versus state of Rajasthan and another wherein it has dealt with on general rules to be followed for calculating the age of person in this judgment the apex court observed that while counting the age of person the whole day should be reckoned and start from 12 o'clock in the midnight and attain the specified age on the preceding the anniversary of his birthday in view of the above judgment cbdt hereby clarifies that a person born on 1st april would be considered would be considered to have attained the age on 31st march itself तो अगर फर्स्ट अप्रैल के दिन कोई सीनियर सिटीजन बन रहा होगा तो हम ये मान लेंगे थर्टी फर्स्ट को ही वो क्या कर चुका है अपना ये एज अटेन कर चुका है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ बर्थडे इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन ऑफ अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बींग कंसिडर्ड अ सीनियर और वेरी सीनियर सिटीजन वुड बी देयर फॉर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ क्राइटेरिया देर फॉर इफ अ पर्सन इज बोर्न ऑन फर्स्ट एप्रिल्सटी वन और फोर्टी वन देन ही शेल बी

ओके okay. तो अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल से रिलेटेड हम लोग टैक्सेशन का चार्ट देख रहे हैं हमें आज अदर एस के ऊपर भी जाना है हम अदर एस के ऊपर भी आज बात करेंगे लेकिन उसके पहले अब मैं आपको बताता हूं देर इज समथिंग विच विच यू नो यू विल बी अवेयर ऑफ फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी अमेंडमेंट इन कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल Yes, Finance Act 2020 has made a change in tax calculation, but this change has to be opted by SSE. एसएससी को जनरल टैक्स लैब्स अब तक के कितने दिए थे टू फिफ्टी थ्री लैख और फाइव लैख दीज वेयर द जनरल टैक्स रेट्स फाइव परसेंट और ट्वेंटी परसेंट स्टिल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द इंडिविजुअल की ये स्लैब लिमिट हाई है और पिछले तीन साल से अगर आपको याद हो तो जैसा कि मैंने इसके पहले भी हिस्ट्री में बताया था फ्रॉम लास्ट पास्ट थ्री ईयर दे रिक्वेस्टिंग काइंडली इंक्रीज द स्लैबलेट और रिड्यूस द टैक्स रेट दीज वेर टू प्रोबेबल डिमांड वॉज मेइंग बाय द टैक्स पेयर Now, Modi government has increased the surcharge but has not given the benefit of higher basic exemption limit. But an alternative they have provided. This is one of the alternative which has been brought up by Sri Nirmala Sitaramanji in this Finance Act 2020. And now, herein after, herein after, क्या कर दिया गया है आपको बोल दिया गया है या तो आप नॉर्मल स्लैब्स में चले जाओ नॉर्मल स्लैब्स का मतलब अब तक जो हम पढ़ के आए वो या तो आप नॉर्मल स्लैब्स के अंदर में चल जाओ या फिर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक नया कांसेप्ट यू नो उठाया है असेसी इज गिवन एन ऑप्शन ईदर यू गो विद द नॉर्मल प्रोविजन एंड क्लेम ऑल डिडक्शंस एंड अदर बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन अंडर द एक्ट और 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 You opt for a new scheme of taxation wherein a lower tax rate would be provided to you provided no benefit or exemption will be available to you. So, या तो आप हायर टैक्स पे कीजिए डिडक्शन लीजिए एग्जाम लीजिए अदर बेनिफिट जो एक्ट के अंदर में दिए हुए हैं वो लीजिए या फिर आप लोअर टैक्स रिजिम के अंदर में आइए और एग्जाम्शन डिडक्शन आप सब भूल जाना ना कोई एग्जाम्शन मिलेगा ना कोई डिडक्शन मिलेगा और आप क्या कीजिए लोअर टैक्स लैब्स के ऊपर पे कर दीजिए हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए या क्लाइंट को हमने क्या सजेस्ट करना चाहिए कि क्या ऑप्शन सिलेक्ट करे ये सर डिपेंड करेगा कि क्या उसको वो हर बार डिडक्शन एक्समेशन क्लेम करता है या नहीं क्लेम करता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा सेक्शन को नया इंट्रोड्यूस किया गया है एक सेक्शन सेक्शन है हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी दिस इज द न्यूएस्ट सेक्शन हैज बीन ब्रॉट अप बाय द फाइनेंस एक्ट वेयर गिवन एन ऑप्शन ईदर यू गो विद द ओल्ड स्लैब रेट और यू कम अंडर द न्यू स्लैब रेट व्हाटएवर ही हैज हैज टू टू डिसाइड डिसाइड ही टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तो ये जो भी ऑप्शन है उसको शुरुआत से सिलेक्ट करके हाँ ये बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि प्लानिंग उसको शुरुआत से करनी होगी प्लानिंग उसको बिल्कुल शुरुआत से करनी होगी और रिटर्न भरते वक्त आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे इंडिविजुअल मतलब कौन क्या रेसिडेंट के लिए ही अवेलेबल है क्या ये एच के लिए अवेलेबल है या नहीं है कौन कौन से डिडक्शन क्लेम नहीं करूंगा मैं क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है डेप्रिसिएशन के भी बारे में ये लोग बात कर रहे हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट बट मैं आपसे कहूंगा इस सेक्शन को अभी डिटेल में पढ़ने से बेहतर है हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हालांकि अभी हम ओवरऑल जाएंगे इस सेक्शन के ऊपर एक बेस लेंगे लेकिन इसमें कई ऐसे डिडक्शन और एग्जाम्स

फॉर्म असेसमेंट इयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू आपको तो पता है मे ट्वेंटी वन एज वेल एज नवंबर ट्वेंटी वन के लिए आपका यही असेसमेंट ईयर है सो फॉर असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू यू शुड टेक अ हाईलाइटर individual and huf point to be noted individual and huf only have this option no other sse have this option aop by ajp would not have this option this option is only for individual and huf taxpayer will have an option to opt you need to opt you need to opt this option is not directly available normal tax calculation is directly available to you but this tax calculation option is not directly available to you so individual and huf taxpayer have an option to opt for taxation under the newly inserted हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी वेदर दिस है क्या कहा आपके नोट हंड्रेड परसेंट अपडेटेड है अलॉन्ग विदर्क्यूलर एंड नोटिफिकेशन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं बस ऐसा है जहां इसका रेलिवेंस होगा हम वहां पढ़ेंगे आप देख सकते हैं 115 एंड फिफ्टीन पेज नंबर 24 के ऊपर दिया है साथ साथ में रेड कलर से बताया हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है सर अमेंडमेंट है आइए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं पर मैं आपको बताऊंगा इस सेक्शन को हम फिर से डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं आइए फटाफट देखते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन इंडिविजुअल एंड एच यू एफ टैक्स पेयर हैज एन ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर द टैक्सेशन अंडर द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी the condition for concessional rate shall be that the total income of individual or huf is computed is computed without विदाउट एग्जाम्शन और डिडक्शन अंडर द फॉलोइंग सेक्शन मतलब सीधे शब्दों में या तो आप डिडक्शन एग्जाम्शन क्लेम करो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेशन के अंदर में चल जाओ और अगर आप इस टैक्स कैल्कुलेशन में आना चाहते हैं तो हम आपको कोई डिडक्शन कोई एग्जाम्शन नहीं देंगे जो नीचे लिखा है एंड सर ये नीचे लिखे हुए कि एक बार आप लिस्ट देखिए लिस्ट देखिए हाँ, थोड़ा बहुत इसमें से आपको इंटर में कवर हो चुका होगा और कुछ चीजें हैं जो हम लोग फाइनल में कवर करेंगे और ये जब तक के सारे सेक्शन आप ना पढ़ लें सेक्शन को पढ़ना टेक्निकली लॉजिकल नहीं है हाँ इसके मेन मेन पॉइंट हम जरूर पढ़ लेंगे सो दैट अपने को पता चल जाए कि कैसा होगा लीव ट्रेवल कंसेशन बेनिफिट नहीं देंगे हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे सम अलाउंसेस विच आर गिवन इन सेक्शन फोर्टीन ऑफ सेक्शन टेन लाइक बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे MP, allowance का benefit हम लोग नहीं देंगे. जो अवेलेबल होता है एस एस सी को वो एग्जाम्शन भी हम आपको नहीं देंगे टेन डबल ए का एग्जामेशन अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम यूनिट इन एस तो उसे टेन डबल ए का एक्सम्स मिलता है ये exemption हम आपको, नहीं देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स नहीं देंगे मतलब सेक्शन 16 सैलरी का पूरा का पूरा जो डिडक्शन है हम हटा देंगे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्रोफेशनल टैक्स इज़ अवेलेबल हम वो आपको नहीं देंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 माय गॉड मतलब आप उससे सारे बेनिफिट ले लो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 याद दिलाता हूं कहे के लिए था इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 है सर किस लिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 है इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी वेदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी हम वो भी बेनिफिट आपको नहीं देंगे मतलब को अगर सैलरी इनकम आ रही होगी वो कंप्लीटली टैक्स कर दो उसमें से कोई डिडक्शन नहीं देंगे एचपी इनकम में से जो सबसे बड़ा डिडक्शन होता है ट्वेंटी फोर का वो नहीं देंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर हालांकि यहां पे सिर्फ ये लोग इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यानी थर्टी परसेंट का जो डिडक्शन होगा वो देंगे मैं आपको जैसा कि कहा हम लोग देखेंगे कहा मॉड्यूल टू के अंदर में सो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी रेफर टू इन सेक्शन ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी थ्री टू के अंदर में कौन सी बात कवर है ट्वेंटी थ्री टू के अंदर सेक्युपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर जो 2 लाख ,00 रुपीज और थर्टी थाउजेंड बेनिफिट अवेलेबल होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो 2 लाख ,00 रुपीज का बेनिफिट है वो हम आपको नहीं देंगे राइट फॉर रेंटेड हाउस एंड नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड एंड वुड बी अलाउड टू कैरी इट फॉरवर्ड एस पर द एक्सटेंट लॉ तो ये हम आपको क्या नहीं करने देंगे इसका बेनिफिट नहीं देंगे ना ही ये जो लॉस आ रहा है इसको हम सेट ऑफ करने के लिए देंगे मतलब ना हम आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट देंगे ना ही ये जो लॉस आ रहा है हम आपको उतना एक्सटेंड तक के क्या करेंगे सेट ऑफ करने देंगे पर हाँ हम आपको कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन राइट रखते हैं नेक्स्ट ईयर में आप जाकर के उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और डिटेल में डिस्कस करेंगे साथ ही साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन आप नहीं लेंगे मतलब आप सोच रहे हो असेसी से मेजर बेनिफिट जो वो क्लेम करता है आपका क्लाइंट आपने अगर आईटीआर भरे होंगे तो दीज आर द मेजर क्लेम इफ इज एम्प्लॉयड सेक्शन सिक्सटीन इज द मेजर डिडक्शन ही कुड क्लेम इज द ओनली डिडक्शन ही कुड क्लेम अंडर द सैलरी और हाउस रेंट अलाउंस इज द डिडक्शन कुड क्लेम जनरली जनरली ही हैज हाउस प्रॉपर्टी इनकम बट इंटरेस्ट ऑन इज़ नॉट अलाउड के बारे में नहीं कहा है इसीलिए मैंने बोला आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए ऑप्शन हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं एट द सेम टाइम एडिशनल डेप्रीसिए प्लांटेन मशीनरी के ऊपर मिलता है राइट right? हम एडिशनल डिप्रिसिए आपको नहीं देंगे उन्होंने एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं क्लेम करने बोला है। डेप्रीसिएशन आप क्लेम कर सकते हैं याद रखिएगा मतलब एसएससी को डेप्रिसिएशन इफ एनी फ्रॉम द हेड ऑफ पीजीबीपी मिल जाएगा बट एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है ये उसको नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट डिडक्शन अंडर थर्टी टू एडी वॉट इज थर्टी टू एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस मैं क्या कह रहा हूं अभी हम लोग सेक्शन को सिर्फ ऊपर पढ़ रहे हैं इन सारे सेक्शन को खत्म होने के बाद ये सेक्शन हम फिर से एक बार पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे जो ऑप्शन वाली चीजें लेकर के आई है ना ये ऑप्शन वाली चीजों को मैंने अगेन मॉड्यूल टू एंड थ्री के अंदर में कंसिडर किया है और उस टाइम पे भी ये सेक्शन वहां पे बुक में वापस रिपीटेड है तो ऐसा नहीं आपको ये मॉड्यूल कैरी करना पड़ेगा ये सेक्शन वापस रिपीटेड है तो हम वहां पर भी देख लेंगे अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ऐसा कोई ऑप्शन आया है जिसे हमें देखना है तो थर्टी टू एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट है अगर चार स्टेट के अंदर में है 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 वहां जाकर के वो तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता तो इसको बेनिफिट मिलता को का भी हटा दिया गया है। कहा वो भी बेनिफिट नहीं लेना थर्टी थ्री एबी थर्टी थ्री ए साइट रिस्टोरेशन फंड एंड अदर बेनिफिट टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट ये वाले बेनिफिट भी आपको नहीं दिए हटा दिए वेरियस डिडक्शन फॉर डोनेशन फॉर एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च कंटेन्ट इन क्लॉस टू टू ए थ्री ऑफ सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन थर्टी फाइव टू डबल ए थर्टी फाइव टू डबल ए थर्टी फाइव सीधे शब्दों में साइंटिफिक रिसर्च के डिडक्शन कवर करता है कोई साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हो तो आप देख सकते हैं जो मेजर डिडक्शन है वो इसके हाथ से ले लिए गए हैं

आज आपकी ये स्थिति है सीए फाइनल में ही कुछ तो भी है करके छोड़ दोगे बट मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे भाई मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि हम तुमको बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर में पढ़ाने वाले हैं इसीलिए हम वापस रिपीट करने वाले बट मोटा मोटी तौर पर डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन अंडर फिफ्टी सेवन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन में से डिडक्शन मिलता है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज और वन थर्ड ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ पेंशन का वो भी हम आपको नहीं देने वाले फैमिली पेंशन का भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स आ हा हा वर्ड सुनिएगा वर्ड मजा आ जाएगा आपको एनी 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 डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स डबल ए की बात कर रहे हैं वो कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है साहब चैप्टर सिक्स ए का तो सिक्स ए का कोई बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे मजे करो जो मजे कर सकते हो यहीं पे मजे करो हम कोई एडिशनल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने वाले नहीं है गेटिंग इट और नॉट नेक्स्ट एक्सेप्ट 80CCD एंड एटीजे तो दो डिडक्शन है 80CCD एक एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड होता है एटी ये न्यू एम्प्लॉयमेंट स्कीम का एक डिडक्शन है अब देखिए अगर मैं आज आपको ये सेक्शन पढ़ा दूं तो इन सेक्शन के आप सिर्फ नाम जान पाएंगे आप ये नहीं जान पाएंगे कि एग्जैक्टली exactly ये सेक्शन है क्या तो एज ऑफ दिस पॉइंट हमें सिर्फ इतना बताना है जैसे कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बोला था कि कई चीजें हैं जो आपको यहां पे नंबर दिया है हम उस नंबर से नहीं पढ़ा देंगे इसको एक्चुअली जहां पढ़ना है वहां पढ़ाएंगे तो आगे आइए अमेंडमेंट टू दी इनकम टैक्स रूल्स अलाउ ओनली फॉलोइंग ऑफ दी अलाउंसेज नोटिफाइड अंडर टेन फोर्टीन हालांकि

पहला तो इनने क्या कहा अगर इस ऑप्शन में आना है इतने सारे निम्नलिखित डिडक्शन को नहीं लेना है दूसरा और खतरनाक है अगर ये ऑप्शन में आना है तो मतलब आप खुद अपने क्लाइंट को बोल देंगे बेटा ये जो नया ऑप्शन है इसके अंदर में मत जा पर ये ब्लाइंडली हमें नहीं कहना है ये हमें उसके देखने के बाद डिसाइड करना होगा एट सी फाइनल लेवल मे ट्वेंटी वन नवंबर ट्वेंटी वन ये बोल सकता हूं आपको कि शायद आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जा जिसमें आपको टोटल इनकम कंप्यूट करने बोले और ओल्ड एज वेल एज न्यू तरीके से कैलकुलेट करने बोल दे ऐसा

और डेप्रीसिएशन फ्रॉम एन अर्लियर असेसमेंट ईयर अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होगा उसे भूल जाना मतलब क्या आना है तो सारे मोह माया हमारे पास छोड़ के आना बाद में ये ना कहना कि मुझे मेरे पापा की याद आ रही है मुझे मेरे चाचू की याद आ रही है मुझे मेरे इसकी याद आ रही है मेरे बाबू सोना टोना ये सब कुछ नहीं चलेगा यहां आओ सारे सारे दुख दर्द माया छोड़ करके आने का बाद में ये नहीं बोलने का कि ये हो रहा है वो हो रहा है आ, सारे मोह माया बंधन छोड़ के आने का सारे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस छोड़ देने का सारे अनएब्जर्व डेप्रिसिएशन छोड़ देने का डिडक्शन मेजरली आपको छोड़ देने के हैं तो यहां पर आना है इफ द सेम इज एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर टू इन पॉइंट ए ऑल्सो विदाउट सेटिंग ऑफ ऑफ एनी लॉसेज अंडर दाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम बोथ द लॉसेज मेंशन कैनोट बी कैरिड फॉरवर्ड ना ही आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का आपको लॉस बोला वो आप सेट ऑफ कर पाएंगे हालांकि कैरी फॉरवर्ड के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इस बात को डिटेल में समझने के लिए हम एचपी में रहेंगे बाई क्लेमिंग डिप्रीसिएशन एक्सेप्ट एडिशनल डेप्रिसन जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन बट बे आर नॉट अलाउड टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन तो आपको हम डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सेक्शन थर्टी टू क्लियरली स्पेसिफाइड एप्रिसिएशन इज मैंडेटरी अदरवाइज ये लोग वो भी छीन लेते विदाउट एनी एक्सम्शन और डिडक्शन फॉर अलाउंस बाय वट एवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडेड एनी अदर लॉ फॉर इसके अलावा कोई और एक्सम्स कोई कोई और लॉ के हिसाब से भी अगर आपको ग्रांट में मिल रहा होगा वो बेनिफिट भी हम आपको देने वाले नहीं है बिल्कुल नहीं देने वाले सब कुछ टैक्स कर देंगे आपको लोअर टैक्स का बेनिफिट दे रहे हैं ये सब टैक्स कर देंगे द कंसेशनल रेट शेल नॉट अप्लाई ये वर्ड अभी आपको समझ लेना है भले ही आपको बाकी के सेक्शन समझ में आए हो नहीं आए हो ये पॉइंट आपको समझना है द कंसेशनल रेट शेल नॉट अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज बाय इंडिविजुअल इन द फॉर्म एंड एंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब राइट यानी क्या अगर एस को उसको ये लोअर टैक्स रेट का ऑप्शन लेना है तो उसे एक फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर्म क्या है आईटीआर आईटीआर के अंदर ही ऑप्शन है सो so जो न्यू आईटीआर आए हैं उसके अंदर में ऑप्शन है मैं आपको बता दू

इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शेल अप्लाई टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट इयर्स एक बार आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो उसके आगे के असेसमेंट इयर्स के लिए ये ऑप्शन उसके साथ अटैच हो जाएगा हालांकि आपको एक और बेनिफिट दिया है एएमटी अब पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं मैं ये सेक्शन आपको इसलिए भी अभी नहीं पढ़ा रहा उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए जब तक आप इंटर में थे तब तक आपको एएमटी का कंसेप्ट ही नहीं था इनफैक्ट इस साल से सीए इंटर में एएमटी का कंसेप्ट लाया है तो आपको एज ऑफ नाउ एएमटी और मैट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है मैं तो यही एज्यूम करके चल रहा हूं ये सेक्शन आपको बता भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं आएगा तो साथ, साथ में बस इतना बता देता हूं कि अगर ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो उसको एएमटी का बेनिफिट मतलब एएमटी पे करने की जरूरत नहीं है ये एक बेनिफिट दिया है ऑप्शन शेल बी एक्सरसाइज फॉर एवरी प्रीवियस ईयर वेयर द इंडिविजुअल और एच यू एफ हैज नो बिजनेस इनकम अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है तो हर साल रिटर्न के साथ साथ आपको यह ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा मतलब यू हैव एन ऑप्शन टू चूज इन चूज आउट उटन दिया हर साल, right? आपने भरते वक्त किया, तो है टाइम वेन यू सिलेक्ट द ऑप्शन नॉट जस्ट अभी लोअर टैक्स आ रहा है तो ठीक है बाद में देख लेंगे रिवाइज रिटर्न भर लेंगे ये सब नहीं हो सकता मतलब आप यहां पर नॉर्मल

अगर उसका रिटर्न अगर उसके पास बिजनेस इनकम नहीं है ही कैन ऑप्टन ऑप्ट आउट एवरी ईयर इफ ही हैज बिजनेस इनकम एंड वंस सिलेक्टेड दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन विल बी कंटिन्यूड फॉर ऑल subsequent असेसमेंट ईयर इसके आगे जितने असेसमेंट ईयर होंगे वो सारे असेसमेंट ईयर के अंदर में ये चीजें चलने वाली है अच्छा जी अब आपके मन में जो सवाल आ रहा था उस सवाल का भी मैं जवाब दे दू जवाब ये है कि सर मान लो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया ठीक है मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया मेरे पास बिजनेस इनकम था मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया अब तो ये आगे के हर सालों के लिए आ गया मान लो दो साल तीन साल चार साल आफ्टर थ्री इयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स आई थॉट दैट नो आई डोंट वॉन्ट दिस ऑप्शन आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर होता है ना आप लोगों के साथ कि अब मैं तो क्या हूं भाई देखिए मैं तो लव मैरिज वाला हूं तो मेरे लिए तो ये वर्ड नहीं है बट यू नो जिन बच्चों की अभी तक नहीं हुई है जिनके अफेयर है या जो इस रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल लव वाले रिलेशनशिप में तो वो जरूर सोचते होंगे कि यू नो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर तो ऐसा ही मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम है दो साल तीन साल चार साल आफ्टर टू थ्री और फाइव इयर्स यू थिंक दैट नो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर एंड नाउ एस नाउस वॉन्ट्स टू क्लेम डिडक्शन वॉन्ट्स टू क्लेम डिडक्शन डू ही ऑप्शन टू विद्रॉ डू ही ऑप्शन टू कम आउट ही हैज ऑप्शन टू कम आउट बट ओनली वंस Yes, you cannot do. आपके पास बिजनेस इनकम है Let's say, आपके पास इनकम है, आज आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं 2020 में. 2022 में ऑप्शन से मुझे बाहर जाना चाहिए आपने opt -out कर लिया. Then again in 2025, you wish कि चलो इस कंसेप्ट के अंदर में हम वापस चलते हैं अब हमको कोई डिडक्शन नहीं लेना क्या आप कर पाएंगे आंसर इज नो आप कर भी ऑप्शन ऑप्टिन opt कर लोगे पर फिर दोबारा से ऑप्ट आउट नहीं कर पाओगे ये बात याद रखना ऑप्ट आउट नहीं कर पा रहे आप वापस अंदर तो चले जाओगे पर ये जो बाहर आने वाला ऑप्शन है ये सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है ओनली वंस चेक कीजिएगा पेज नंबर 1.26 पे द ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस वर्ड क्लियर है सब लोग के हम और डिटेल में जाएंगे और डीप में जाएंगे सेक्शन को हमें दोबारा पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो हम इसको दोबारा जरूर पढ़ेंगे ऑप्शन कैन बी विड्रॉन ओनली वंस वेयर इट हैज इन एक्सरसाइज बाय एसएससी हैविंग बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम नहीं है तो ये ऑप्शन आपको हर साल सोचना है मैं करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं करू। आपके पास हर साल ऑप्टन ऑप्टाउन का ऑप्शन है पर अगर बिजनेस इनकम है एक बार अंदर चले गए सिर्फ एक बार बाहर आ सकते हो दोबारा अंदर भी चले जा सकते हो पर फिर बाहर आने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म सो ऑप्शन कैन बी विदड्रॉल ओनली वंस वेयर इट है प्रीवियस इयर अदर देन इयर इन विच इट इज एक्सरसाइज एंड देर आफ्टर दी शेल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन दिस ऑप्शन मतलब ऑप्शन टू विद्रॉ अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्टेर सच इंडिविजुअल इनकम दे है तो सर वापस से यहां तक का एक बार ऊपर ऊपरी तौर पे बात कर लेते हैं अब अगर एस एस इंडिविजुअल है और एच यूएफ है अगर एस एस इंडिविजुअल है और एच है अगर एस एस इंडिविजुअल और एच यूएफ है ही ऑप्शन टू कैलकुलेट टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो हम कर रहे थे अब तक और ही कैन ऑप्ट फॉर द न्यू सेक्शन हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एसी ना ना इफ ही वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर बी ए सी मोटे मोटे तौर पर अब तक याद रखना है नो बेनिफिट ऑफ डिडक्शन और एग्जाम्शन नो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ no losses can be set off an absorbed depreciation can't be set off depreciation is available additional depreciation is not available amt लगने वाला नहीं है right? ये ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा बिजनेस इनकम है अगर आपकी तो रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले और अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो रिटर्न भरने के साथ-साथ ये ऑप्शन आप क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो जिन लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है वो इस ऑप्शन को हर साल चेक कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं लेकिन जिनकी बिजनेस इनकम है वो एक बार इस ऑप्शन में आ गए तो फिर वो बाहर जा सकेंगे नहीं राइट right? बाहर आना भी है तो ओनली वंस इट कैन बी विड्रॉन समझ में आई बात ऑल असेसमेंट ईयर के लिए कंटिन्यू हो जाएगा आप बार बार, बार इन ऑप्ट आउट नहीं कर सकते फिर एजम्पन हो जाएगा आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्ट आउट भी होना है तो एक बार आप विड्रॉ कर पाओगे पर दोबारा आप फिर इस ऑप्शन को विड्रॉल वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे इस बात को याद रखना है साहब ज दट डन गेम ओवर अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है मान लो ये सारी कंडीशन जो है ये सारी कंडीशन क्या हो जाती है सेटिस्फाई हो जाती है तो नए टैक्स रेट क्या है वो भी बता दो लीजे साहब पेज नंबर 1.27 पे नए स्लैब रेट अवेलेबल है आई आई वॉज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस ओनली स्लैब रेट चालू करने से पहले तो नए स्लैब रेट क्या है अपटू टू लैख फिफ्टी थाउजेंड नील थिंक ये तो कॉमन ही है जो हम दोनों बात कर रहे हैं ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख फाइव परसेंट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइव लैख कितना बेटा फाइव परसेंट आपको दिया गया है फाइव लैख टू सेवन पॉइंट फाइव लैख आई थिंक दिस इज द न्यूएस्ट रेट ऐसा कोई रेट ओल्ड स्कीम के अंदर में तो अवेलेबल ही नहीं है सो फाइव लैख टू सेवन पॉइंट फाइव लैख ऐसा भी कोई स्कीम नहीं है मतलब ये भी क्या हो गया न्यू हो गया फिफ्टीन परसेंट टेन लैख टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव यानी आप देख सकते हो ऑल टूगेदर पूरे के पूरे नया स्लैब रेट आपके सामने रख दिया ट्वेंटी परसेंट

वो अपार्ट फ्रॉम एटीसी कुछ भी क्लेम नहीं करते अपार्ट फ्रॉम एटीसी कुछ भी क्लेम नहीं करते और एटीसी में भी उनका ले देकर बन जाता है कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज बन जाता है सो तो जैसे ये सेक्शन आया इस साल हमने क्या किया उनके लिए ऑप्शन लिया है इस साल हमने ऑप्शन लिया है आईसेट की भैया आप क्या करो uh, वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का डिडक्शन ले देके इसमें से टैक्स कितना सेव होना है ऑलरेडी ही फॉल्स इनटू थर्टी परसेंट ऑफ द ब्रैकेट उनका जो पैकेज है वो टेन लाख के ऊपर का है तो ही फॉल्स इनटू थर्टी परसेंट ऑफ द ब्रैकेट तो मैंने कहा कितना होने वाला है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट इज द मैक्सिमम यू कुड नो यू कुड सेव हम लोग इस ऑप्शन के तहत ट्राई करते तो हम लोगों ने जब ट्राई किया तो उनके लिए हम लोगों ने मेरे जो सबसे बड़े भैया है उनके लिए हम लोगों ने जो नया ऑप्शन है हालांकि दूसरे वाले भैया के लिए डिडक्शन ज्यादा थे तो हमने सिलेक्ट नहीं किया तो अकॉर्डिंगली आपने भी अपने घर वालों के लिए या जो भी आपके क्लाइंट होंगे उनके लिए आपको हर बार ये सिलेक्ट करना होगा देख करके और दोनों तरफ से आपको कैलकुलेशन करना होगा हाँ दोनों तरफ से आपको कैलकुलेशन करना होगा और उसके बाद ही आपको क्या करना होगा ये बेनिफिट कुछ सिलेक्ट करने होंगे गेटिंग इट अर नॉट तो इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आएगा इसके ऊपर हम एक और बार ड्राइव करेंगे जब हमको वो सारे डिडक्शन वाले सेक्शन समझ जाएंगे तब हमने इसे आगे एक और बार कंसिडर किया है अभी हमारा मोटो सिर्फ ये कंसिडर करना है कि नाउ फ्रॉम फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ऑप्शन टू ईदर गो विद द ओल्ड रेट ऑफ टैक्सेशन और कमिंग इन टू द न्यू स्कीम ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी अब चॉइस आपके ऊपर डाल दी गई है जैसे इंस्टीट्यूट ने किया है ना आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया था एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले मे ट्वेंटी के एग्जाम कंडक्ट करवाने से पहले कि भैया ऑप्ट इन ऑप्ट आउट वाला पार्ट बराबर है बिल्कुल उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऑप्ट इन आउट आउट खेल रहा है उनने आपको दे दिया ऑप्ट आउट वाला स्कीम कहा कि भैया आपको नॉर्मल से इधर जाना है इधर कम बेनिफिट ले लो सब कर लो एंड अल्टीमेटली देखते हैं सर ये सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा मैं कहता हूं हाँ ये सक्सेसफुल होगा क्यों क्योंकि

कोई अनएब्जर्व एप्रीसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडिशनल एप्रीसिएशन पीजीबीपी के मेजर डिडक्शन लेते नहीं राइट खुद भी रह रहे हैं किराए के घर के अंदर में तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का वो टू लाख रुपए वाला भी बेनिफिट नहीं है ले देखे उनको बेनिफिट मिलता था क्या प्रोफेशनल टैक्स एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके अलावा उनको कुछ मिलता ही नहीं था तो ऐसे केसेस में इन असैसीज के लिए क्या हो जाता है बहुत बेनिफिट हो जाता है येस बहुत बेनिफिट हो जाता है चलिए ट्राई करते हैं मेरे क्लाइंट के लिए ताकि आपको टैक्स कैलकुलेशन तो समझ जाए मोटा मोटी सेक्शन आपको हम बाद में देख लेंगे एक एग्जाम्पल लिखिए रजिस्टर में आगे जाइए एक एग्जाम्पल लिखिए समझते हैं कि इस नए टैक्स ने बेनिफिट दिया है या नहीं दिया है यह समझ के लेते हैं हम लोग ठीक है एग्जाम्पल लिखिए चेक वेदर इन न्यू स्कीम असेसी सेव टैक्सेस लेटस एज्यूम नाइन लैक रुपीज एज टोटल इनकम इन द ओल्ड एज वेल एज न्यू स्कीम फॉर द टाइम बिंग मैं बाकी कोई भी डिटेल नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन वाला एंगल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ओवरऑल ये ओल्ड स्कीम के तहत हम लोग समझ लेते हैं कि क्या टैक्स बनने वाला है और अगर वो 115 BAC ऑप्ट करता है तो अब इसमें क्या कुछ बेनिफिट है कितना बेनिफिट है क्या है वो सारी चीजें समझ लेते हैं डन सो लेट से अगर हम बात करें नाइन लाख ,00 रुपीज तो टैक्स कितना बनने वाला है क्लियर कट यही बात कर लेते हैं पांच लाख रुपए अप टू फाइव लाख रुपीज यू नो व्हाट इज द टैक्स ये ऑन बैलेंस ट्वेंटी परसेंट टैक्स विल कम टू नाइनटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज एट इट टैक्स विल कम टू नाइन्उजेंड फाइव हंड्रेड यू कैन चेक इट आउट नाइन लैख नाइन लाख में से फाइव लाख रुपीज माइनस करे बचे फोर लैख फोर लाख पे ट्वेंटी परसेंट प्लस बारह हजार पांच सौ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज द टैक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं यहाँ पे HEC consider नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इसके ऊपर ही अकॉर्डिंगली फोर परसेंट आएगा मैं सिर्फ में देख रहा हूं कितना बेनिफिट आपको हो जाता है यही नाइन लाख ,00 रुपीज अगर है तो चलिए क्या बेनिफिट होने वाला है Up to 5 ,00 रुपीज यहां पे समझते हैं अगेन ,00 यहां पे भी ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आने वाला है यू कैन चेक कैसे सर कैसे मैं आपको बताता हूं आप जाइए नोट्स के अंदर में नोट्स के अंदर में चेक कर लीजिए टू पॉइंट फाइव लैख से फाइव लैख फाइव परसेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब बचता है जो बैलेंस नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड क्योंकि फाइव लैख टू सेवन पॉइंट फाइव लैख का भी एक स्लैब है तो नेक्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इस पे कितना परसेंट होने वाला है टेन परसेंट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू टेन परसेंट दिस कम्स टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ना आपकी टोटल इनकम कहां तक आ गई आपकी टोटल इनकम आ गई दिस फाइव लैख रुपीज लैख रूपीज दिस टू लैख फिफ्टी थाउजेंड सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड पे आ गए आपकी टोटल इनकम है नाइन लैख रुपीज सो नाइन लाख माइनस सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड मतलब बचता है नेक्स्ट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इस पे टैक्स रेट कितना दिया है सरकार ने फिफ्टीन परसेंट का आपको टैक्स रेट दिया है यहां आइए फिफ्टीन परसेंट हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया दिस कम्स टू तो ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं हमारा टोटल नाइन लाख ,00 रुपीज कंप्लीट होता है फाइव लाख प्लस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल नाइन लाख रुपीज कंप्लीट होता है क्या देख लीजिए सर आप और अगर होता है तो अब अपना टैक्स निकाल लीजिए यू कैन चेक द टोटल कम्स टू रुपीस सिक्सटी थाउजेंड आपके आंखों के सामने सरकार ने सामने वाले का टैक्स तो कम किया ही है आप चेक कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं एक बार ये लिख भी लीजिए कि सरकार ने यस टैक्स कम किया ही है यहां पे लिख दीजिए विदाउट एच ई सी नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूज ना हो इसी के लिए विदाउट एच ई सी इज आ डन डन सर इसके ऊपर और भी ज्यादा मंथन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज प्रोविजन आर हाई चांसेस दैट कुड इन अजनबर ट्वेंटी वन राइट सो अगेन आई हैव कंसिडर्ड दिस सेक्शन इन दी अपकमिंग मॉड्यूल्स तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे अभी आप क्या कीजिए रजिस्टर में जाइए रजिस्टर में जहां पे आपने ये चार्ट बनाया होगा कौन सा टैक्स कैलकुलेशन वाला जो आपने चार्ट बनाया है वहां पे जाइए उस चार्ट के ऊपर जगह खाली होगी बराबर है उस चार्ट के ऊपर जगह खाली होगी जो टैक्स कैलकुलेशन वाला इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन वाला चार्ट आपने बनाया है बराबर? तो चार्ट के ऊपर जगह खाली होगी ये ये चार्ट के ऊपर जगह खाली होगी यहां पे बस आपको लिख लेना है अलग कलर के पेन से फॉर इंडिविजुअल ऑब्लिक एच यू एफ he can opt for new scheme of taxation under section 115bac he can opt for the new scheme of taxation under section 115bac डन प्रभु सो सर यू कुड चेक एवरीबडी कम टू पेज नंबर फोर्टीन फोर्टीन के अंदर में हम लोगों ने सब कुछ खत्म किया सबसे पहले हमने नॉर्मल रेट्स खत्म किए आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर है फ्रॉम असेसमेंट इवेंटी वन ट्वेंटी टू इंडिविजुअल एन एच चाहे तो यहां अपनी बुक को कोरिलेट करने के लिए लिख सकते हो वन पॉइंट टू फोर तो आपको कहा है ये सेक्शन वो भी दिख जाएगा सो वन पॉइंट के ऊपर जाएंगे मैं आपको अगेन बता दू इस सेक्शन का हम लोग ने डीप डाइव नहीं किया हमने सिर्फ समझा ऐसा कोई नया स्कीम आया है और उसमें चेक भी किया कि हाँ उसमें टैक्स सेव हो रहा है प्रोवाइडेड असेसी डो नॉट क्लेम एनी बेनिफिट असेसी क्या नहीं कर रहे कोई बेनिफिट क्लेम ना करे तो वो नए स्कीम के अंदर में चले जाए ज्यादा बेटर है राइट अच्छा अगर आपको क्लाइंट को सजेशन क्या देना चाहिए अगर आपका क्लाइंट का मान लीजिए डिडक्शन वगैरह छोड़ करके आपका टैक्स सेव हो रहा होगा तो एसएससी को बोल दीजिए छोड़ दो डिडक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं बिंदास छोड़ दो डिडक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं यू कंटिन्यू You to be What नहीं लेने का? उनको ऐसा मत बोल देना मेडिकल इंश्योरेंस तो तो भी बंद कर दो इनकम ना, 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 ना. टैक्स में बेनिफिट नहीं लेंगे आप पे हम इनकम टैक्स में नहीं लेंगे. उतना बेनिफिट हम टैक्स में क्या कर रहे हैं सेव कर रहे हैं दिस इज हाउ यू शुड एडवाइज ये इसके बाद हम लोगों ने सर्क्यूलर पढ़ लिया तो पेज फोर्टीन वी है साथ साथ में नोट था पेज वी हैव डन ऑल इज हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेशन में लिया पेज नंबर 17 वी हैव डन तो आप देख सकते हैं यहां तक हम लोग 17 पेजेस तक आ चुके हैं और साथ साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम और न्यू कंसेप्ट हम लोग सीखे जा रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं 115 एंड फिफ्टी वाले पार्ट पे आएंगे बाद में पहले आते हैं अदर टैक्स कैलकुलेशन हैंजुअल एच यू एफ HUF AOP BOI AJP हमने पांच लोगों का कर लिया बट स्टिल क्या क्या छूट रहा है मैं आपको बताता हूं फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी इनके टैक्स सेट अभी भी छूटे हैं और वो करेंगे अब सो so, कहा दिया है नोट्स पे पहले मैं वो आपको बता दू ताकि आपको साथ साथ में कोरिलेट करने को इजी हो जाए पेज नंबर है 29 पेज नंबर 29 पे लिखा होगा पे वहां पे देखिए लिखा है अदर और पर्सन एंड देयर सरचार्ज तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे हमने उनके रेट भी कंसिडर किए हैं और रेट कंसिडर करने के साथ साथ हमने उनके सरचार्ज भी दे रखे हैं तो आइए इसमें डीप डाइव करते हैं रजिस्टर में चल जाइए वहां पे हेडिंग दीजिए टैक्स रेट्स फॉर अदर्स हेडिंग दीजिए टैक्स रेट फॉर अदर्स सबसे पहले फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी ध्यान से सुनिएगा फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी अप टू वन करोड़ बियॉन्ड वन करोड़ ऐसा कुछ साथ साथ में बनाइए अप टू वन करोड़ बियॉन्ड वन करोड़ ये दो ऑप्शन रखिए अप टू वन करोड़ टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट बियॉन्ड वन करोड़ टोटल इनकम इनटू टू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट फ्रॉम एलएलपी लोकल अथॉरिटी इनकम अप टू वन करोड़ बियॉन्ड वन करोड़ Now you can see in case of a firm, in case of a LLP, in case of a local authority, if the income of annual income, aggregate income is up to 1 crore rupees, the tax is total income into 30% plus. परसेंट दैट मीन दे नॉट बी गेटिंग एनी बेसिक एक्सम्शन लिमिट बेनिफिट सवाल आपके मन में आना ही चाहिए सर इन्हें बेसिक एक्साम्शन लिमिट का बेनिफिट क्यों नहीं दिया गया जैसा कि मैंने आपको बेसिक लॉजिक बताया था बेसिक एक्सामेशन लिमिट का बेनिफिट को उनको क्यों है? क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है जिसके लिए कोई जो भी इनकम वो कमा रहे हैं इनफैक्ट वन रुपीज इज स्टिल चार्जेज at the rate of 30% so whenever you suggest to a client to go into the firm LLP or local authority kind of association you must always remember their tax rate is 30% plus 4% says applicable while their income exceed rupees 1 crore then the tax rate is total income into 30% anybody yes 12% as surcharge one can see Surcharge rate for firm and local authorities 12% instead of the you know 10, 15, 25, and 37. I have already written specifically that special surcharge rate is applicable to individual HUF, AOP, BY, AJP. So for firm. एल एल पी एंड लोकल अथॉरिटी रेट इज ट्वेल्व परसेंट इंस्टेड ऑफ हायर रेट इसीलिए मैंने उसको ब्लैक रखा था और अब आपके सामने लिखा सो वेयर इनकम एल एल पी और अदर अथॉरिटी इनकम इन टू थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट एंड दिस इज अ डायरेक्ट विदाउट गिविंग एनी बेनिफिट ऑफ बेसिक एक्सम्सन लिमिट सो लेट से मैं यहीं के यही कर दे रहा हूं लेट से इफ द इनकम टोटल इनकम ऑफ अ फर्म Is let us say 40 lakhs, then what will be the tax? Straight away, what you will do 40 lakhs into 30 percent plus 4 percent. दिस इज योर टैक्स ट्वेल्व लैक फोर्टी एट थाउजेंड गेम ओवर ये सो नो मालिक सो चाहे तो ये लिख सकते हैं नहीं तो यहां पर आइए यहाँ पे देखिए मैं हूं पेज नंबर ट्वेंटी नाइन के ऊपर ट्वेंटी नाइन के ऊपर हम लोग तीन रेट एक साथ पढ़ेंगे सबसे पहले तो फर्म एन एल एल पी द टैक्स रेट इज थर्टी परसेंट इफ द इनकम इज एक्सीडिंग वन करोड़ रुपीस then 12 12 even if that exceed 10 crore it will will be be and the rate of surcharge 4 this is what you have to see साथ साथ, local authority भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल same applicable है तो इसमें कोई change नहीं इसीलिए मैंने तीनों का एक साथ लिख दिया firm LLP and local authority हम तीनों का एक साथ लिख दिए हैं getting it or not अच्छा जी सर अब आते हैं कंपनी के टैक्स रेट के ऊपर बड़े चेंज साफ बड़े चेंज second कंपनी पूरी हिस्ट्री सुनना होगा तब जाके ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ध्यान से सुनिएगा कंपनी की अगर मैं बात करूं प्रीडोमिनेंटली वी हैव टू टाइप ऑफ कंपनी इधर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी अग्रीड ओके नाउ द पॉइंट इज मैं थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जा रहा हूं ताकि आज तक का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए अर्लियर वी हैड ओनली टू रेट ऑफ टैक्सेशन फॉर कंपनीज 30 परसेंट और 40 परसेंट इन 2014 इन 2014 मोदी गवर्नमेंट वेल कमिंग इन टू पिक्चर दे हैव देयर इन अजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा दैट वी विल रिड्यूस द टैक्स रेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड वी विल ब्रिंग इट टू ट्वेंटी बराबर है 25% पे रिड्यूस कर देंगे द दैट टाइम डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट हुआ करता था 30% 2014 होता है इलेक्शन होता है अब की बार मोदी सरकार नाम की स्कीम चलती है और ये मैजिक काम कर जाता है मोदी गवर्नमेंट पिक्चर में आती है अरुण जेटली साहब को क्या बनाया लेट श्री अरुण जेटली साहब को मैं बार-बार लेट नहीं बोलूंगा और

ध्यान से सुनिएगा कमिटमेंट क्या था 2014 में कमिटमेंट था कि अगले पांच सालों में हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट को रिड्यूस करके लेके आएंगे कितने के ऊपर 25 30 से 5 परसेंट रिड्यूस करेंगे 25 पे लाएंगे यह हमारा पॉलिटिकल एजेंडा था और हम ये कर रहे हैं और इसी साल से हम वन परसेंट का रिडक्शन करते हैं क्या धूम थी साहब जिस टाइम पे ये किया गया ना साहब उस टाइम पे शेयर मार्केट अलग लेवल पे बूम कर रहा था अलग लेवल पहली बार 11000 के लेवल को उस टाइम द दैट टाइम 11000 के लेवल को टच किया निफ्टी के अंदर में हालांकि वो बाद में वापस आया ये अलग विषय पर कंपनी भयानक खुश क्योंकि इमेजिन कीजिए कंपनी लाइक इंफोसिस टीसीएस महिंद्रा महिंद्रा रिलायंस इनके टर्नओवर कितने इनके टर्नओवर कितने टर्नओवर के बाद अगर 1% भी देखा जाए तो ये 100 200 करोड़ के अंदर में चले जाता है साहब तो कंपनी लेवल पे बहुत अच्छी खुशी स्टॉक मार्केट भयंकर खुश शेयर होल्डर भयंकर खुश 1% रिड्यूस किया बहुत अच्छी बात नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी एट परसेंट होना चाहिए था नेक्स्ट ईयर ट्वेंटी एट परसेंट होना चाहिए था उन्हें रिड्यूस नहीं किया फिर नेक्स्ट ईयर ये ट्वेंटी सेवन परसेंट रेड्यू पे आ जाना चाहिए था पर उन्हें नहीं किया क्योंकि जब वन परसेंट से गिरावट हुई तो इससे पूरा का पूरा बजट हिल गया सच्चाई यह थी कि जब वन परसेंट से रिडक्शन हुआ तो पूरा का पूरा बजट हिल गया क्योंकि आज जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट टैक्स पे है यह आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इंडिविजुअल इतने नहीं पे करते तो इससे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ गया और दो साल तक इसे चेंज नहीं किया गया दो साल बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज और कई राजनेताओं को याद आई कि इन्होंने तो कमिटमेंट किए थे यस और नो तो कमिटमेंट किए थे कि भैया हम टैक्स रेट कम करेंगे कहा है वो टैक्स रेट कम कहा है कहा गई वो बातें जो आपने करी थी एक बार आप करके भूल गए 2014 में तो कर दिया 2015 2016 नहीं किया 2017 में लोग पूछने लग गए कहा है जो आपने चेंज किया था उधर से दिल उधर से दीदी चिल्लाई ए ना चौल बे ए चौल बे ना तुमने बोला था कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम करेगा किधर है कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम ऊपर से यू नो मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए श्री अरविंद केजरीवाल जी भी चिल्लाए ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आसानी के लिए बोल रहा हूँ हालांकि वो सब मुझसे बहुत बड़े हैं और आपका मन लगा रहे पढ़ाई में सिर्फ इसलिए ये सब बातें करता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा सर ऊपर से मफलर वाले बाबा भी चिल्लाए ये गलत है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए इधर से महाराष्ट्र से भी चिल्लाए जर कॉर्पोरेट टैक्स कमी के ला न मारला शिवाय राणार ना

ऊपर नहीं है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट बचे मतलब तो हुए तो जिन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर नहीं जा रहा सिर्फ उनके लिए 25 परसेंट बाकी सब कंटिन्यू करेंगे अभी भी 30 परसेंट और हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे आश्वासन दिया गया कि हाँ हम करेंगे दो कुछ कंपनीज बहुत खुश हो गई जिनका पचास करोड़ के नीचे टर्न था उनका टैक्स रेट रिड्यूस हो गया पच्चीस उनके शेयर प्राइजेस बूम हो गए ऑन स्टॉक एक्सचेंज 2018 आता है 2018 में वादा किया वो निभाना पड़ेगा और 2018 में इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि 2019 में फिर इलेक्शन आने वाले थे कंपनीज को खुश रखेंगे तो उनके के थ्रू वोट बैंक की राजनीति होगी राइट right और नॉट लेकिन कमिटमेंट था पूरा तो करना ही था 2018 आया 2018 के अंदर में क्या किया गया ये जो 50 करोड़ की लिमिट थी इसे इंक्रीज कर दिया गया ध्यान से तो सुनिएगा ये जो 50 करोड़ की लिमिट थी इसे इंक्रीज कर दिया गया 250 करोड़ पे ला दिया गया कहा अब जो कंपनी का टर्नओवर 25 टर्न 250 करोड़ के नीचे होगा इन द प्रीवियस ईयर 1617 इन द प्रीवियस ईयर 1617 हम उन्हें 25 परसेंट देंगे स्टिल बाकी कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर होगा दे विल कंटिन्यू टू अप्लाई विद 30 परसेंट टैक्स रेट अग्रीड 2019 आता है 2019 री इलेक्शन का वक्त था री इलेक्शन का वक्त था और कुछ करना बहुत जरूरी था इंटरम बजट आता है फाइनल बजट आता है इस लिमिट को और इंक्रीज किया जाता है निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कहा पार्लियामेंट के अंदर में जिन कंपनी का टर्नओवर करोड, 400 करोड़ 400 करोड़ रुपीज है उनको

फाइनेंस एक्ट 2019 400 करोड़ का लिमिट लगा दिया गया एक्सपेक्टेड था 2020 में भी ये कुछ कम करेंगे लेकिन 2020 में ऐसा कुछ भी कम नहीं किया सिर्फ प्रीवियस ईयर आगे बढ़ाया क्योंकि दो पच्चीस परसेंट का जो क्राइटेरिया था वो उन्हें पूरा कर दिया तो इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी फाइनेंस एक्ट ना ही टर्नओवर के लिमिट को इंक्रीज किया गया ना टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया तो आज भी बिल्कुल वही रेट है बस जो प्रीवियस ईयर था वहां पर चेंज आ गए तो सर जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला था सर कि आपको मैं पूरा बताऊंगा हिस्ट्री आज क्या चल रहा है वो कैसे वर्क करेगा ये तीनों एंगल मैंने आपको समझा दिए आप जाए गूगल के ऊपर सर्च कर दें ये सारी चीजें अवेलेबल है बट आप पेज नंबर ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी नाइन अगर देखेंगे तो वहां पे देखिए आपको अमेंडमेंट दिखेगा अमेंडमेंट क्या हुआ है मैं आपको बता दू अमेंडमेंट हुआ है जहां पे सत्रह अठारह अच्छा लिखा था अब वहां पे अठारह अच्छा उन्नीस आ गया मतलब प्रीवियस ईयर नाइनटीन में आपका टर्न क्या है इससे कोई लेन नहीं है साहब प्रीवियस ईयर 1920 के लिए आप इनकम तो जरूर कंप्यूट कर रहे हैं लेकिन प्रीवियस ईयर 1920 में आपका टर्नओवर कितना है इससे कोई लेनदेन नहीं अगर 1819 1819 में आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होगा 1819 में आपका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होगा सो इन प्रीवियस ईयर 1920 व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फॉर 1920 टैक्स रेट वुड बी ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड फॉर अदर कंपनीज अदर कंपनीज मीन टर्न ओवर हुन ओवर इज हैविंग एक्सीडिंग फोर हंड्रेड करोड़ रुपीज देन इन की दैट केस थर्टी परसेंट वुड बी द टैक्स रेट तो स्टिल दिस ओल्ड रेट कंटिन्यू स्टिल दिस ओल्ड रेट कंटिन्यू और हिस्ट्री अभी बाकी है कुछ और चीजें आपको समझनी बाकी है पर पहले यहां तक के समझ लें सो so, आज रूल क्या है छोड़ो कल की बात है कल की बात पुरानी और नए दौर की बात यह है इफ इन प्रीवियस ईयर आप कैलकुलेट कौन से प्रीवियस ईयर कर ईयरटीन ट्वेंटी बट क्या हमेंटीन ट्वेंटी का टर्नवर देखना है आंसर इज नो हमें टर्न ओवर देखना है एटीन नाइनटीन का इफ इन दर एटीन नाइनटीन टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड फोर हंड्रेड करोड़ देन वाइल कंप्यूटिंग द टैक्स फॉर द असेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू राइट सॉरी मैं आपसे कह रहा था प्रीवियस ईयर है हमारा 2021 नॉट 1920 आई स्टैंड करेक्टेड तो 1819 में 1819 में आपका टर्नओवर क्या है हम उसके बेसिस के ऊपर क्या करेंगे आज के टैक्स रेट का डिसीजन लेंगे प्रीवियस ईयर 2021 का और असेसमेंट ईयर ट्वेंटी वन का कैलकुलेशन हम उस बेसिस के ऊपर करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा इन्होंने दो साल जो इन्होंने गैप ली थी वही दो साल आज भी कंटिन्यू है आप देख सकते हैं तो आज जब हम कैलकुलेशन करेंगे मे ट्वेंटी वन नवंबर ट्वेंटी के लिए तो हम ये देखेंगे प्रीवियस ईयर एटीन नाइनटीन का टर्न क्या है आपके मन में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे उन क्वेश्चन को भी मैं अप अपफ्रंटली ले लेता हूँ तो ये बात क्लियर है सर कि अगर प्रीवियस ईयर 1819 में आपका टर्नओवर 400 करो देखिए ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी है लेट्स से एक कंपनी है 2007 uh, 2008-19 के अंदर में है टर्नओवर 350 करोड़ एंड इन द प्रीवियस ईयर 2021 इसका टर्नओवर है लेट्स से 700 करोड़ व्हाट इज द टैक्स रेट दे शुड अप्लाई करेक्ट 25% नॉट 30% सर व्हाई आज का टर्नओवर से कोई लेनदेन नहीं, नहीं है 1819 का टर्नओवर क्या था वहां से ले लेना है सो so, 25% इज द टैक्स रेट अभी हम सचाज और सेस सच की बात करेंगे फिर दूसरी बात एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा सर सपोज सपोज आप बोल रहे हैं 1819 का टर्नओवर हम लोगों को काउंट करना है सपोज कंपनी ही फॉर्म 1920 में हुई कंपनी ही फॉर्म 1920 में हुई तो हमारा 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर नहीं है हमें भी 25 परसेंट दे दो ऐसा किया गया था जिस साल ये सेक्शन लाया गया था उसी टाइम सीबीडीटी ने क्लैरिटी दे दी अगर आपकी कंपनी उस ईयर में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो यू विल ऑटोमेटिकली फॉल इन हायर टैक्स रेट ऑफ थर्टी और इसके ऊपर कई खरी सुननी भी पड़ी किसको मोदी सरकार को कि जो नई कंपनी फिर फॉर्म हो रही है आप तो इनको कोई बेनिफिट ही नहीं दे रहे हो और आप बोलते हो मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया भाई और बहनों मेक इन इंडिया करो आप बोल रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं उल्टा जो कंपनी एग्जिस्टिंग है आपसे उनको बेनिफिट दे रहे हैं हमारे को तो कोई बेनिफिट ही नहीं इसका भी सोल्यूशन आया तो आपका कुल मिला जो पहला डाउट था उसका जवाब दे देता हूं अगर कंपनी फॉर्म नाइनटीन में हुई होगी तो ट्वेंटी और थर्टी यू विल फॉल इन टू ऑफ द कैटेगरी Yes, इस बारे में सीबीडी टी ऑलरेडी क्लियर कर चुका है आगे बढ़ते हैं तो दो रेट बन गए कंपनी के लिए सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होता जैसे इंडिविजुअल के लिए ऑप्शन है इनके लिए भी ऑप्शन है करेंगे उसके ऊपर डिस्कस तो दो रेट बन गए आइए इन दो रेट के ऊपर डिस्कस करते हैं रजिस्टर में चल जाइए लिखिए डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी डोमेस्टिक कंपनी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर तीन रेट दिए हैं डिपेंडिंग अपन आप कौन से कैटेगरी ऑफ इनकम के अंदर में फॉल होते हैं ठीक है यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ इन प्रीवियस ईयर 1819 टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इनकम अप टू वन करोड़ वन करोड़ टू टेन करोड़ अबाव टेन करोड़ टोटल इनकम इनटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस फोर परसेंट टोटल इनकम इनटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट टोटल इनकम इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट प्लस फोर परसेंट सो तीन क्राइटेरिया दिए हुए हैं उनको सर चलिए बढ़ते हैं आगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं देर आर थ्री कैटेगरी ऑफ इनकम वन करोड़ वन टू टेन करोड़ एंड अबाउट टेन करोड़ एंड देर विल बी ओनली वन चेंज द रेट ऑफ सरचार्ज देख सकते हैं आप अगेन सरचार्ज के रेट फिर चेंज हुए इन केस ऑफ कंपनी सो वट इज अग चैलेंज यू नीड टू अंडरस्टैंड विच सरचार्ज रेट इज एप्लीकेबल टू हुम दिस इज एक्चुअली अ चैलेंज दिस इज एक्चुअली अ चैलेंज काश गवर्नमेंट एक ही रखती बट हां गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से क्या कर रही है इसे चेंज कर रही है उनको जिस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है उस हिसाब से क्या किया जा रहा है क्राइटेरिया को सेट किया जा रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अच्छा जी अदर कंपनीज अदर कंपनीज वाला पार्ट भी लिखो इसके नीचे अदर कंपनीज यहां पे जब हम अदर कंपनीज की बात कर रहे हैं, वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक कंपनीज ओनली यस ऑन नो बट विच डू नॉट फॉल इन नॉट फॉल इन कैटेगरी वन और इसे आप कह दीजिए कैटेगरी वन टू वन करोड़ वन करोड़ टू टेन करोड़ अबाउट टेन करोड़ टोटल इनकम इन्टू थर्टी परसेंट प्लस फोर परसेंट, टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस सेवन परसेंट प्लस फोर परसेंट, टोटल इनकम इंटू थर्टी परसेंट प्लस ट्वेल्व परसेंट दिस इज सेवन प्लस फोर परसेंट तो जो कंपनी कैटेगरी ए कंपनी के अंदर में नहीं आ रही होगी क्या करेंगे मित्रों मित्रों हम क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे 25 को 30 कर देंगे सरचार्ज रेट तो यहां पे बिल्कुल कॉमन है जो ओल्ड कंपनीज के लिए भी रहे हैं और चार परसेंट तो ये बिल्कुल लग के आता है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है कोई परिवर्तन नहीं है एज इट इज रखा गया है डंजर अच्छा जी तो हिस्ट्री के अंदर में वापस चलते हैं हिस्ट्री क्या कह रही थी हिस्ट्री कह रही थी कि जो कंपनीज अब किसके अंदर में आई है आ, 1920 के अंदर में आई होगी वो कंपनी चिल्लाने लग गई कि आप क्या कह रहे हैं आइए और थोड़ा सा बेसिक्स में जाते हैं इन टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन मेक इन इंडिया नाम का कंसेप्ट लेकर के आते हैं ध्यान से सुनिएगा इन 2015 मोदी जी को इन न्यू वर्ड कॉल्ड एज मेक इन इंडिया जिसके तहत छोटी कंपनीज एमएसएमईज और अपना आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना वहीं से शुरू हुआ मेक इन इंडिया को बस नाम चेंज कर दिया गया आत्मनिर्भर भारत बाकी नाम तो बिल्कुल वही है इस कोविड नाइनटीन के अंदर में उसका नाम चेंज हो गया मेक इन इंडिया की जगह आत्मनिर्भर भारत हो गया राइट अब हुआ क्या 2015 में आपने मेक इन इंडिया लेकर के आया लेकिन जितनी भी सारी एसेंशियल स्टार्टअप थी इनने आगे ने एक क्वेश्चन उठाया के सर मान लीजिए इफ न्यू स्टार्टअप इज बीन मेड इन लेट्स से 2019 और लेट्स से 2020 क्योंकि तब तक गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम आई पैसा आया कुछ सब्सिडीज जो बाकी थी वो आई तो इन लोगों ने सवाल उठाया कि हमारे लिए क्या हमारे लिए क्या साथ ही साथ में एक और चीज हुई इन 2019 जैसा कि मैंने कहा इकोनॉमी स्लोडाउन इकोनॉमी स्लोडाउन इकोनॉमी स्लोडाउन के बिगुल बजने लगे थे राइट और इकोनॉमिक स्लोडाउन इकोनॉमिक स्लोडाउन जब चिल्ला रहे थे तो कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो थी वो थर्टी परसेंट टैक्स रेट में थी और यहां पर कंपनीज बोल रही थी कि आप प्लीज टैक्स रेट रिड्यूस कीजिए सर प्लीज थोड़ा सा टैक्स रेट रिड्यूस कीजिए इकोनॉमी स्लोडाउन चल रही है सेल्स नहीं हो रहे हैं ऐसे में तो कंपनी निकल जाएगी और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी आईबीसी के अंदर में जा चुकी थी कि भी आप नहीं काम करना ल्यूक्रेटिव नहीं रहा इंडिया वर्क करने के लिए अब ऐसे केसेस में क्या किया गया ट्वेंटी सितंबर 2019 आई रिपीट अगेन ट्वेंटी सितंबर 2019 क्या हुआ था उस दिन हां प्रेसिडेंट प्रोमोलगेटेड ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पास किया गया और दो और ऑप्शंस लाए गए कंपनी के लिए ध्यान से सुनिएगा दो और ऑप्शन लाए गए कंपनी के लिए क्या ऑप्शन लाए गए कंपनी के लिए दो नए सेक्शन इंसर्ट किया जहां पे कंपनी का टैक्स रेट और ये बेनिफिट सिर्फ 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 और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्योंकि मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए था उन्होंने कहा हम कॉरपोरेट टैक्स रेट रिड्यूस करते हैं 22 परसेंट पे और जो कंपनी फर्स्ट अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट होती है फर्स्ट अक्टूबर 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट होती है हम इन कंपनीज़ को 15 परसेंट टैक्स रेट देते हैं। इतनी सी न्यूज फ्लैश हुई थी आज तक सी एनबीसी जी बिजनेस और सभी न्यूज चैनल के ऊपर कहा मोदी सरकार का नया गिफ्ट ध्यान से सुनिए मोदी सरकार का नया गिफ्ट कॉर्पोरेट टैक्स रेट 22 परसेंट पे रिड्यूस किए गए और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15 परसेंट पे टैक्स रेट रिड्यूस किए साहब क्या कहने स्टॉक मार्केट पहुंच गया आपका 12,000 12,000 निफ्टी 12 मार्केट अलग लेवल पे बूम कर गया क्योंकि जहां वन परसेंट रिडक्शन के ऊपर हम इलेवन पहुंच गए थे यहां पर और भयानक बूम हो गए लेकिन लेकिन जब तक तीन बजे तक एनालिसिस आता इस पूरे सेक्शन का ये सारी डिटेल्स आती तब तक के बहुत लेट हो चुका था मार्केट ऑलरेडी बूम हो चुका था बस इतना ही न्यूज वालों ने फ्लैश किया इसके आगे फ्लैश नहीं किया लेकिन जब देर यू नो देर शाम इसके ऊपर एनालिसिस आए तब पता चला कि ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अभी हम लोगों ने कड़ा कंपनीज 22 पे आएंगी प्लस मैंडेटरी सरचार्ज होगा टेन परसेंट आपकी इनकम किस कैटेगरी की है उससे कोई लेन देन नहीं मैंडेटरी सरचार्ज टेन परसेंट प्लस सेस यानी इफेक्टिव टैक्स रेट न्यूज वालों ने तो ट्वेंटी टू परसेंट दिखा दिया ट्वेंटी फाइव परसेंट वाले ट्वेंटी टू पे आ गए थर्टी वाले ट्वेंटी टू पे आ गए रेट क्या बना ध्यान से सुनिएगा ट्वेंटी टू परसेंट प्लस टेन परसेंट मैंडेटरी सरचार्ज प्लस फोर परसेंट सेस ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन सिक्स एट परसेंट का न्यू रेट आ गया बहुत अच्छी चीज थी कुछ चीजें गलत क्या थी पहला सरचार्ज मैंडेटरी लग गया आपकी इनकम क्या हो उससे कोई लेन देन नहीं यहां पे जब सरचार्ज लगता है कंपनी के ऊपर वो वन करोड़ के ऊपर लगता है वहां मैंडेटरी सरचार्ज दस परसेंट लग गया दूसरा चेंज क्या हुआ अगेन वही बातें कही उन्होंने अनएब्सोर्ब एप्रीसिएशन नहीं देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं देंगे स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिडक्शन जो है ये नहीं देंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं हां कंपनी मैट नहीं पे करेगी कंपनी यही रेट पे करेगी मैट पे करने की जरूरत नहीं है और ये ऑप्शन कंपनी को ऑप्ट करना होगा रिटर्न भरने से पहले ऑप्शन एक बार ऑप्ट कर लिया नो विड्रॉल स्कीम इंडिविजुअल के लिए तो भी विड्रॉल स्कीम है पर कंपनीज के लिए उनने कह दिया नो विड्रॉल स्कीम आ जाओ बिलदास ले लो और जो कंपनीज फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद आई इनके लिए भी एक और सेक्शन इंसर्ट किया गया या तो आप ये नॉर्मल टैक्स रेट में आइए वाले क्राइटेरिया में और न्यू रेट प्रोवाइडेड यू डोंट टेक एनी डिडक्शन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और का सवाल उठता नहीं यू डोंट टेक एनी डिडक्शन हियर इन आफ्टर और फर्स्ट ईयर में ही जिस साल आप इनकॉर्पोरेट हुए हो फर्स्ट ईयर में ही आपको चूज कर लेना है हम आपको पंद्रह परसेंट का टैक्स रेट देते हैं यहां से उसका इफेक्टिव रेट क्या बनेगा अगेन बिल्कुल वही कैलकुलेटर ले लीजिए 15% प्लस 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस 17.16% इसका इफेक्टिव रेट आ गया और कह दिया कोई रिडक्शन नहीं लेना यानी ये जो ऑप्शन वाले सेक्शन है 115 बीएए बीएबी बीएसी जो हमने देखा अभी इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए ये सारे सेक्शन में आपको रेट रिड्यूस करके दिए बट एक कंडीशंस के साथ हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे एग्जम्पन नहीं देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अनएब्सॉर्व एप्रिसिएशन नहीं देंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे डेप्रिसिएशन हर एक में अलाउ की उन्होंने कहा आप डेप्रिसिएशन ले लो बाकी जो बेनिफिट आपको मिलते हैं ये नहीं मिलेंगे और लोअर टैक्स लेकर के चले जाओ और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये जो कंसेप्ट है हम लोगों ने यूएसए टैक्सेशन इंटरनेशनल टैक्स में जाएंगे और डीप में पड़ेंगे इसमें और हिस्ट्री भी है उसके पीछे कोई। तो हमने यूएसए से क्या कर लिया अडॉप्ट कर लिया आपके पास ऑप्शन है वट यू सिलेक्ट मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया हमने टैक्स रेट रिड्यूस किया है आप देख लो आपको क्या चाहिए इस तरह से खेले गए गेम खेले गए गेम नहीं बोलूंगा ये एक अच्छा ऑप्शन था जो लाया गया कई कंपनीज ऐसी भी है जो ये डिडक्शन नहीं क्लेम करती लाइक साइंटिफिक रिसर्च थर्टी फाइव एडी राइट नॉर्मल कंपनीज आप जैसे मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कंपनीज होगी आपको बताऊंगा आपके कई क्लाइंट है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है बट दे आर कंपनी नाउ दे डोंट हैव एनी साइंटिफिक रिसर्च expenditure they don't have any 35 AD kind of business so it's better for them to come into 22% structure so again whenever you want to suggest whether you go with the normal 25 30% in case of company or the new section you again have to check it out whether your client claims such or not साथ ही साथ में यह भी बात उठी सुनिएगा साथ ही साथ में यह भी बात उठी कि सर आपने अब नया सेक्शन लेकर के आए हो पर आप बोलते हो अब आप कंपनी पे हो तो अत्याचार कर रहे हो आप उसको बोल रहे हो अगर नया टैक्स रेट लेना है तो ठीक है आप कोई डिडक्शन ना लो मान लो हम कोई डिडक्शन नहीं लेते लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अनएब्सोर्व डेप्रिसिएशन है वो तो दो वो तो दो इसके ऊपर हंगामा शुरू हो गया हंगामा कुछ इस तरीके से कि जब दूसरे दिन अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसका एनालिसिस किया कई टैक्स एक्सपर्ट टीवी के ऊपर आया और एनालिसिस दिया दूसरे दिन स्टॉक मार्केट डाउन होना शुरू हो गया यस yes, दूसरे दिन स्टॉक मार्केट और कंटिन्यूस तीन दिन की मंदी स्टॉक मार्केट के अंदर में इसी चक्कर में रही कि वो सिर्फ और सिर्फ इस एनालिसिस को पढ़ने के बाद क्योंकि कंपनीज के पास ह्यूज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड एप्स डेप्रिसिएशन है क्या करेंगे अब इमेजिन कीजिए कंपनी लाइक इंफोसिस टीसीएस टेक महिंद्रा यू नो महिंद्राट आलोक इंडस्ट्रीज इनके पास ह्यूज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड है क्या करेंगे ये कंपनी इन्होंने बोला अब हमको ये ऑप्शन में आना भी है तो हम नहीं आ सकते क्योंकि आपने तो बोल दिया ये चीजें मिलने वाली नहीं है तो इतने सालों से जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एन एब्जॉर्व एप्रिसिएशन हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं इनका क्या दो अक्टूबर 2019, 2nd अक्टूबर 2019, डिपार्टमेंट बंद रहता है पर सर्कुलर आया बुक में है। ये सारी जितनी बातें से डिजाइन की हुई है 2019 के अंदर में 2 अक्टूबर 2019 यू नो you know, जिस दिन दर्शन सर के बच्चे का भी बर्थडे है जिस दिन गांधी जयंती भी है उसी दिन एक सर्कुलर आता है और निर्मला सीतारामन जी कहती है आप लोगों ने शायद हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना ये जो सेक्शन है ये ओपन एंडेड सेक्शन है हम कहां कह रहे हैं कि इस सेक्शन को लेने की आखिरी तारीख ये है ये सेक्शन ओपन एंडेड है अगर आपको इतना बुरा लग रहा है कि हमसे हमने आपसे डिडक्शन ले लिया हमने आपसे एक्सम्सन ले लिए हमने आपसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनएब्सॉर्व एप्रिसिएशन कोई बात नहीं आप पहले अपने अनएब्सॉर्व एप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस खत्म कीजिए फिर इस सेक्शन को ऑप्ट कीजिए हमने आज आपके ऊपर ये कंडीशन तो नहीं लगाई ना उल्टा हम तो आपको बेनिफिट दे रहे हैं लगता है आपको बेनिफिट भी चाहिए और कुछ छोड़ना भी नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता सीए भी बनना है और आपको यू you नो know, अपने कंफर्ट्स uh, भी नहीं छोड़ने हैं ऐसा नहीं हो सकता एक चीज होगी या तो कंफर्ट मिलेगा या तो डिग्री मिलेगी दोनों चीज नहीं हो सकती हाँ इस बात की गारंटी जरूर है कि डिग्री मिलने के बाद लाइफ टाइम कंफर्ट होगा इस बात की गारंटी हम जरूर देते हैं तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कह दी उन्होंने कह दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम इतना चिल्लाओ मत कोई स्टॉक मार्केट गिराने की जरूरत नहीं है हमने ये सेक्शन को ओपन एंडेड रखा है देर इज नो लास्ट डेट टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन कोई लास्ट डेट नहीं है देर इज नो लास्ट डेट सो इफ अ कंपनी विश दे कैन फर्स्ट कंप्लीट देयर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अनियशन एंड देन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम करेंगे इसके ऊपर भी बात आइए मैं आपको बता देता हूं हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन वाला एंगल हमारा जो रहेगा ये कल डिस्कस करेंगे आप देख सकते हैं डोमेस्टिक कंपनी 25% 30% परसेंट थर्टी परसेंट इनकम अकॉर्डिंगली इंक्रीज टू तो 7% परसेंट और 12% परसेंट सर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द इनकम एंड अकॉर्डिंगली 4% परसेंट एज सेस एट द सेम टाइम आप नीचे आइए सॉरी uh, ऊपर आइए पेज नंबर ए फाइनल में आके ना सबसे बड़ा तकलीफ ये बुक्स इतनी बल्कि हो जाती है ना कि आपको खुद को दस बार ढूंढना पड़ता है चलिए पेज नंबर पे आइए पेज नंबर आपका है प्रभु पेज नंबर एटीन 115 baa this was the new section or inserted for domestic company by taxation ordinance 2019 आप देख सकते हैं इसको पूरा रीड करना पड़ेगा खैर आज का टाइम तो खत्म हो चुका है हम इसको रीड करेंगे आप नीचे आकर के देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है ये ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो 22% आपको दिया है सर 22% प्लस 10% प्लस 4% इफेक्टिव टैक्स रेट 25.17% बराबर है ये 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 होगा एक एक ऑप्शन लिए लिए था ये के लिए था कंपनीज के बराबर नीचे नेक्स्ट सेक्शन बी ए बी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रजिस्टर या सेटअप होती है आफ्टर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन आफ्टर 2019 इनके लिए जो टैक्स रेट दिए गए वो तो और भी ज्यादा अच्छे थे 15% प्लस फोर परसेंट इफेक्टिवली सेवेंटीन 4% सिक्सटीन परसेंट तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको कह रहा था ये दो सेक्शन लेकिन ये सेक्शन के ऊपर अंदर हम लोग डीप डाइव करेंगे कल और आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर में राइट right? आज हमने आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी हिस्ट्री बता दी कि सर अबर ने क्या किया क्या नहीं किया पूरी की पूरी हिस्ट्री मैंने आज, आज आपको बता दी उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा पूरी हिस्ट्री सुन कर और मैं जैसा कि आपको कह रहा था मैं हर सेक्शन के पीछे जहां जहां पॉसिबल है <coughs> आपको लॉजिक जरूर बताता रहूंगा कि ये क्यों है क्या है आइए आज देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया फटाफट एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं सर आज हम लोगों ने टैक्स रेट किए आज हम लोगों ने सरचार्ज किए, मैक्सिमम टाइम हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर में राइट आज हम लोगों ने ये सारी चीजें कंप्लीट करी है राइट सरचार्ज किया टैक्स रेट फॉर अदर किए टैक्स रेट फॉर कंपनी किया और कुछ ऑप्शन देखे हम लोगों ने मैंने आपको होमवर्क दिया था बट सरप्राइजिंगली अभी टाइम ओवर हो चुका है तो होमवर्क हम लोग कल चेक करेंगे कल आते ही सबसे पहले क्या कर लेंगे होमवर्क चेक कर लेंगे बट एट द सेम टाइम मैं आपको कुछ होमवर्क और दे देता हूँ प्रॉब्लम नंबर फोर इज योर होमवर्क प्रॉब्लम नंबर सिक्स इज योर होमवर्क प्रॉब्लम नंबर सेवन इज योर होमवर्क प्रॉब्लम नंबर एट इज योर होमवर्क तो ये चार प्रॉब्लम और करके आइएगा आप लोग राइट right? कल हम लोग इसको क्या कर लेंगे टेस्ट चेक कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे डन सर सो आज का डे खत्म हो गया कल क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं कल सबस्टैंशियली आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ कुछ ही बाकी है चैप्टर के अंदर में और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो आगे के सेक्शंस जितने भी दिख रहे हैं हम इसको आगे वापस से पढ़ने ही वाले हैं जब आपके एक बार ये सारे सेक्शन पढ़ के हो जाए तो आपको पता रहेगा उसके अंदर में क्या है क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या ले सकते हैं इस बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी ठीक है तो कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग चालू करेंगे हमारे एक्चुअल टॉपिक दैट इज असेसमेंट्स के टॉपिक्स पूरे चालू करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड ऑन एंड सो फोर्थ तो आपको कल से भी और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है ठीक है आज के लिए नमस्कार बोलिए बाय बोलो बच्चों